हेलो नमस्कार दोस्तों गुड इवनिंग राम राम राधे राधे जय श्री कृष्णा जय श्री राम मैरी सिंह बाजिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रिजल्ट गुरु पर दोस्तों यह है राजस्थान एग्जाम्स पार्ट बाय रिजल्ट गुरु जिसपे आपकी महा मैराथन क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है राजस्थान सी टी के लिए दोस्तों आप सबको जैसा कि पता है कि ये जो क्लासेज है वो राजस्थान सी के लिए CET, जो 2023 आपकी चल रही है इसके लिए महा क्लास स्टार्ट स्टार्ट की गई है ये क्लास आपकी होगी सात बजे से लेकर के एक बजे तक आपकी क्लास चलने वाली है जिसमें मैं आपको बता देता हूँ सात से आठ आपकी क्लास चलेगी कंप्यूटर की आठ से नौ क्लास आपकी रीजनिंग की नौ से ग्यारह बजे तक आपकी दीपक सर के द्वारा राजस्थान जीके की और धर्मेंद्र सर ग्यारह बजे से लेकर के आगे की बागडोर संभालने वाले हैं मैथ्स के लिए तो फटाफट से एक बार जुड़ जाइए का पेपर भी आज हम कराने वाले हैं में जो क्वेश्चन आए हैं जैसा कि आप सब बोल रहे थे कि सर दो तीन क्वेश्चन आते हैं सीटी में लेकिन दो तीन नहीं बेटा नाइन टू टेन क्वेश्चन आपके सीटी में पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर से इसका मतलब है कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन सारे के सारे आपकी इसी क्लास में से आए हैं कोई क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं गया है आप चेक कर सकते हैं जितनी क्लासेज लगी है उन सारे की सारी क्लासेज से क्वेश्चन आपके पढ़े हैं वेरी गुड इवनिंग सभी को महामैराथन क्लास आपकी है सात बजे से लेकर के दो बजे तक एक बजे तक आपकी क्लास चलने वाली है दोस्तों छह से सात घंटे की आपकी क्लास रहेगी तो सात से आठ की क्लास में हम कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए एक बार सभी दोस्त जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और दोस्तों आपको जैसा कि पता है आपको इस क्लास की पीडीएफ फाइल प्राप्त करनी है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा जहां से आपको इस क्लास की पीडीएफ फाइल अवेलेबल होगी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन सेशन इस पहले क्वेश्चन के साथ में देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रखा है आराम से समझिएगा क्वेश्चन को क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है कंप्यूटर ब्लैंक स्पेस सिग्नल के रूप में डेटा बेचते एवं प्राप्त करते हैं कंप्यूटर जो है वो कौन से सिग्नल्स के रूप में डेटा को सेंड करने का डेटा को रिसीव करने का काम करते पहला ऑप्शन बोला है डिजिटल दूसरा ऑप्शन एनालॉग तीसरा ऑप्शन एसी और चौथा ऑप्शन डीसी तो बेटा आंसर दो जल्दी से और बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से आंसर आना चाहिए टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए फटाफट से आंसर दे और बताओ क्या होगा कि कंप्यूटर जो है वो कौन सी फॉर्म में सिग्नल्स को भेजने का काम करते हैं चलो बेटा जल्दी बताइए कौन से सिग्नल्स के रूप में काम करते हैं फटाफट से आंसर देना चाहिए जो सीटी की एग्जाम दे रहे हैं जो स्टूडेंट उनके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि जो पेपर आपका सीटी का हुआ है पिछला पेपर उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन किस टाइप से आपको पूछे गए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए अभी हम आपको पेपर सामने ला करके दिखाएंगे पेपर की पीडीएफ आपको दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा पारुल का आंसर यहाँ पर आया है पारुल वेरी गुड इवनिंग पारुल स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर तो कंप्यूटर जो होते हैं वो डिजिटल सिग्नल डिजिटल फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट करते हो डेटा को रिसीव करते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है ए ऑप्शन दूसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस क्रम में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है निष्पादित करता है मतलब एग्जीक्यूट करता है सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है फेच करता है डिकोड करता है स्टोर करता है फेच करता है एग्जीक्यूट करता है फेच करता है डिकोड करता है एग्जीक्यूट करता है डिकोड करता है फेच करता है एग्जीक्यूट करता है तो क्या सही सीक्वेंस होगा किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का निष्पादित करने का बताइए बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर <coughs> सही ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा ओके वेरी गुड बहुत बढ़िया बेटा क्या बात है बहुत शानदार आप देखो बड़े आराम से क्वेश्चन को देखा करो आराम से क्वेश्चन को समझा करो आप बिल्कुल इसका आंसर राइट दोगे कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा जल्दी बताइए पेज करना डिकोड करना और एग्जीक्यूट करना सी ऑप्शन तो क्या सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बेटा देखो सबसे पहले क्या किया जाता है सबसे पहले हम उस प्रोग्राम को देखते हैं कि प्रोग्राम क्या है उसको फेच करते हैं उसके बाद में उस फेच के प्रोग्राम को हम क्या करते हैं डिकोड डिकोड करते हैं हैं करने के बाद उसको हम क्या कर देते एग्जीक्यूट कर देते हैं सो सी ऑप्शन जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा राइट right आंसर बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई समझ में आ गई पारुल का आंसर यहाँ पे सी था बहुत ही बढ़िया पारुल वेरी गुड थर्ड क्वेश्चन की बात करें तीसरा क्वेश्चन आपको बोल रखा है डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं बेटा एक डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी बनी हुई है उस डायरेक्टरी को क्या बोलते हैं उसको सब डायरेक्टरी बोलते हैं मेन डायरेक्टरी बोलते हैं होल्ड डायरेक्टरी बोलते हैं या न्यू डायरेक्टरी बोलते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट से दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर थोड़ी देर में हम पिछले पेपर की भी बात करेंगे जो पिछला पेपर आपका सीटी का हुआ है उस सीटी के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी को क्या कहते हैं जल्दी से आंसर दीजिए बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंसर आया नहीं किसी का भी बेटा देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डायरेक्टरी है उसके अंदर एक वो डायरेक्टरी है तो उसको हम क्या बोलेंगे किस नाम से उसको जानते है? तो ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है सब डायरेक्टरी के नाम से उसको जानते हैं बेटा उसको क्या बोलते हैं डायरेक्टरी के अंदर अगर कोई डायरेक्टरी है तो उसको किस नाम से जानेंगे सब डायरेक्टरी क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है सॉफ्टवेयर कोड में एरर ढूंढने की त्रुटि जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं एरर ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं डीबगिंग बगिंग पासवर्ड कंपाइलिंग तो बताइए कि सॉफ्टवेयर में अगर कोई भी एरर आ जाती है तो उस एरर को ढूंढने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं डीबगिंग कहते बगिंग कहते कहते हैं 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 बगिंग पासवर्ड या कंपाइलिंग कहते हैं आप जितने भी फ्रेंड जुड़े हुए हो एक बार आप सभी क्लास को लाइक करेंगे और सबसे पहला काम आपका है क्लास को शेयर करना दोस्तों जब तक क्लास को शेयर नहीं करोगे तब तक क्लास में मजा नहीं आने वाला है तो सबसे पहला काम आपका है क्लास को शेयर करना क्लास जितनी ज्यादा शेयर होगी आपके फ्रेंड्स जितने ज्यादा जुड़ेंगे आपको भी क्लास में मजा आएगा तो जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दो एक बार और फिर आंसर दो तो चलिए बताएं क्या बोलेंगे उसको क्या होगा किसी भी सॉफ्टवेयर में एरर को ढूंढने की प्रोसेस पारुल का आंसर यहां पे सबसे पहले है कि सर ए ऑप्शन बाकी स्टूडेंट भी आंसर दे बेटा जितने जुड़े हुए हो आप सभी आंसर दो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ऑप्शन आपको दे रखे हैं ऑप्शन के बेसिस पर आपको देना है तो सॉफ्टवेयर में जब भी हम एरर ढूंढते तो एरर को ढूंढने की जो प्रोसेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं डीबगिंग बोलते हैं एरर को ढूंढने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं डीबगिंग बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव बोल रखा है वेबसाइट के यूआरएल में एचटीटीपी क्या है बेटा यहां पर दो क्वेश्चन और बन रहे यूआरएल क्या होता है एचटीटीपी क्या होता है अगर आपने एचटीटीपी की फुल फॉर्म देख ली तो फिर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आप बड़े आराम से आंसर दे सकते हो तो आप इनकी फुल फॉर्म भी बताइए और इस क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए कि वेबसाइट का जो यू होता है उसमें सबसे पहले एच HTTP या एच भी लिखा होता है क्या होता है वो सर्वर होता है वेबसाइट का नाम होता है प्रोटोकॉल होता है या इनमें से कोई नहीं है तो बताइए बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ओके फाइव में सी फिर कोशिश करा आंसर आया है कि सर फाइव में सी होगा प्रोटोकॉल कि वेबसाइट के यूआरएल में एच टी, टी जो होता है वो क्या होता है बेटा वो होता है आपका प्रोटोकॉल यहां पर पारुल का आंसर भी सी ऑप्शन आया बहुत ही बढ़िया प्रोटोकॉल उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल वैसे एक्चुअल में प्रोटोकॉल होता है क्या है बेटा इसको बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स जो आपके यू में एच होता है वो भी प्रोटोकॉल है अब बेटा यू क्या होता है यू होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यू आर एल की फुरफो हो गई यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और एच क्या होता है ये होता है हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अब देखो बेटा मैंने आपको क्या बोला था कि अगर एस फॉर्म आपको पता होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे क्या बात है बहुत ही बढ़िया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फिर कोशिश करा बिल्कुल सही आंसर है फिर कोशिश करा क्या बात है बढ़िया नाम रखा आपने क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो क्या है तार्किक लॉजिकल सीक्वेंस में डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है एक प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस में जब हम डेटा को अरेंज करते हैं तो उस अरेंज करने की जो प्रक्रिया होती है जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है हेलो नरेंद्र बिल्कुल नरेंद्र वेरी गुड इवनिंग नमस्कार नरेंद्र आंसर दीजिए इन क्वेश्चंस का उसको क्लासिफाइंग कहते हैं उसको रिप्रोड्यूसिंग कहते हैं उसको समराइजिंग कहते हैं उसको सोर्टिंग कहते हैं तो फटाफट भट से आंसर दे दो और बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी बताओ बेटा क्या होगा इसका क्लासिफाइंग रिप्रोड्यूसिंग समरजाइंग सोर्टिंग देखते हैं किसका आंसर सोटिंग वेरी गुड सोर्टिंग आंसर आया है फिर कोशिश करा सोटिंग पारुल का आंसर भी यहां पे डी ऑप्शन आया वेरी गुड पारुल बाकी स्टूडेंट जुड़े हुए आप सभी भी आंसर दो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा और बेटा आप जितने स्टूडेंट जुड़े हो आप एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना लाइक और शेयर करो नरेंद्र का आंसर भी आप पे दिया है बिल्कुल राइट आंसर दिया है कि आपके पास कोई भी लॉजिकल सिक्वेंस में डेटा को जब अरेंज किया जाता है तो उस अरेंजिंग की प्रोसेस को हम बोलते हैं शोटिंग अब शोटिंग जो होता है वो किसी भी सिक्वेंस में हो सकता है वो आपका असेंडिंग हो सकता है वो आपका डिसेंडिंग होता है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि वो किस तरीके का शोटिंग करवाना चाहता है चलिए अगला क्वेश्चन कंप्यूटर वायरस होता है कंप्यूटर वायरस क्या होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है विंडोज टूल होता है या फिर हार्डवेयर होता है तो बताना है कंप्यूटर वायरस क्या होता है जल्दी बोले बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर कंप्यूटर वायरस जो होता है वो क्या होता है जल्दी बोलिए बेटा फटाफट से कंप्यूटर वायरस क्या होता है आंसर दे सकते हो बेटा बहुत ही आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर प्रोग्राम है विंडोज टूल है या फिर हार्डवेयर है ओके नरेंद्र ने आंसर दिया कि सर ये एक सॉफ्टवेयर है नरेंद्र सॉफ्टवेयर होगा या फिर प्रोग्राम ओके okay, कोशिश करा कंप्यूटर प्रोग्राम है पारुल का आंसर भी बी है कंप्यूटर प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया नरेंद्र ने आंसर ए बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर है बहुत ही बढ़िया बेटा नरेंद्र ने बोला कि सर बी कंप्यूटर प्रोग्राम इसका आंसर होगा तो बिल्कुल सही आंसर है कि कंप्यूटर वायरस जो होता है वो क्या होता है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एक कंप्यूटर वायरस स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों से जोड़ लेता है कौन सा कहलाता है, बेटा क्या बोला है? कि एक है वो जनरली क्या करता है कि दूसरे के साथ में दूसरे प्रोग्राम के साथ अपने आप को क्या कर लेता है कनेक्ट कर लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं उसको ट्रोजन होर्स कहते हैं उसको वाम बोलते हैं उसको वायरस बोलते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं तो बताइए जल्दी से क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा वायरस जो अपने को दूसरे से जोड़ लेता है क्या होता है बताए बेटा जल्दी से कंप्यूटर प्रोग्राम में प्रतिलिपि बनाई जाती है नरेंद्र का आंसर बी वाम जल्दी बोलो बेटा ओके तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा अभी तक आंसर आया नहीं है प्रतिलिपि बता रहे हैं फिर कोशिश करा कंप्यूटर प्रतिलिपि पारुल का आंसर यहाँ पर ए आया कि सर ट्रोजन होर्स उसको कहा जाता है तो बिल्कुल सही आंसर है यहां पर ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा ट्रोजन होर्स यानी वो क्या करता है वो खुद एक नया प्रोग्राम बना लेता है। खुद की कॉपीज जनरेट कर लेता और कॉपीज जो जनरेट की जाती है उनको आगे से आगे क्या करता रहता है एक्सटेंड करता रहता है बढ़ाता रहता है उसको हम बोलते हैं ट्रोजन होर्स यानी ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर तो बेटा ये बात आपको समझ में आ गई होगी वायरस से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन आपको दो चार पूछे गए और वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी सी के एग्जाम में भी कंफर्म पूछे जाएंगे तो ये बात ध्यान में रख करके आपको अच्छे से पढ़ना है ध्यान रखना है हर एक क्वेश्चन को समझना है अगला क्वेश्चन देख लीजिए बोल रखा है कौन सा मेलवेयर सबसे तेज हमले का एग्जाम्पल है पहला ऑप्शन रेनसमवेर DDoS अटैक वोम या स्पायर जल्दी से बताइए बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि कौन सा ऐसा वायरस है कौन सा ऐसा मेलवेयर है जो सबसे तेज अटैक करता है ये डीडीओएस क्या होता है बेटा ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड जेनियल ऑफ सर्विस डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कौन सा मेलवेयर है जो सबसे तेज हमले का एग्जाम्पल है रेमसम रेमसमवेयर डी डी ओ एस अटेक वोम या स्पाईवेयर आंसर आया नहीं किसी का फटाफट से देखो आराम से क्वेश्चन को और फिर आंसर दो बोलो बेटा जल्दी से हाँ हां भाई कौन सा मेरवर सबसे तेज हमले का एग्जाम्पल है ओके तो आंसर की बात कर ले यहां पर आंसर आया नहीं किसी का क्या बात है बेटा आंसर तो दे देखते हैं आंसर राइट होता है या रोंग होता है ओके okay, पारुल का आंसर यहां पे बी है पारुल तुक्का है कि बोलने पर या बी ऑप्शन आएगा ही डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ सर्विस डिनाइल ऑफ सर्विस ओके तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है पारुल कि मेलवेयर जो सबसे तेज हमले का एग्जाम्पल है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस डी जो है वो सबसे तेज हमले का उदाहरण है क्वेश्चन नंबर टेन बोला गया इलेक्ट्रॉनिक स्पेम का प्रकार है जहां अवांछित संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो है उसका एग्जाम्पल क्या है ये स्पेम जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेम का प्रकार कौन सा है ट्रेस मेल ड्राफ्ट मेल स्पेम मेल वायरस मेल बताओ क्या आंसर होगा कौन सा होगा इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक स्पेम का प्रकार है जहां अवांछित संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं बोलो बेटा जल्दी से आंसर दो इसका ओके okay, तो इसका आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर दिया है सी ऑप्शन मेल हेलो आरती सी ऑप्शन मेल आरती बिल्कुल राइट right आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आरती यहां पर मेल जो होगा वो आपका राइट right आंसर होगा क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या बोला पहला कंप्यूटर नेटवर्क है सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है लेन है वेन है पेन है या आरपानेट जल्दी से बताइए बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बड़ा पर्चा आंसर बताइए क्वीन आरती वेरी गुड बढ़िया सी ऑप्शन बताया बिल्कुल सही है पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है आंसर दीजिए बेटा फटाफट से आपको बताया हुआ है क्वेश्चन ये पढ़ाया हुआ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको क्यों बोल रहा हूं क्योंकि बेटा इस एक क्वेश्चन के साथ में हम चार से पांच क्वेश्चन करने वाले हैं तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट right आंसर कौन देगा सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर वेरी गुड बहुत बढ़िया पारुल ने सबसे पहले बोला है कि सर डी ऑप्शन इसका राइट right आंसर होगा तो क्या डी ऑप्शन राइट है डी ऑप्शन राइट है क्या बिल्कुल सही है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा कि आरपानेट जो है आरपानेट जो है वो सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क था बात कर लेते हैं इनके बारे में लेन लेन जो होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क दूसरा वेन जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क पेन जो होता है वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क और आर्पानेट जो होता है वो होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क यह बेटा इनकी फुल फॉर्म है यह भी आपको ध्यान में रखनी है तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपको बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन सा मानक प्रोटोकॉल इंटरनेट द्वारा सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है कौन सा है जो इंटरनेट द्वारा सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है ऑप्शन आपको दे रखे एच टी टी पी टीसीपीआईपी एस एम टी पी एस एल आई पी एस एल आई पी जल्दी बताइए बेटा फटाफट से हां भाई आरती कहां चली गई आरती आरती करने चली गई क्या इनके फुल फॉर्म भी आपको बताने हैं इनके फुल फॉर्म भी आपको बताने हैं तो बताइए बेटा जल्दी से फटाफट से आंसर दे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है ओके okay, तो यहां पर क्या आंसर होगा किसी का आंसर आया नहीं है भाई नरेंद्र फिर कोशिश करा पारुल सिंह आरती चलो बी ऑप्शन यहां पर आंसर आया पारुल का आंसर आया कि सर बी ऑप्शन बी ऑप्शन बताया पारुल ने चलो पहले इनकी फुलफोरम के बारे में बात करते एस एल आई पी होता है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सीपीआईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल बात करें एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेटा ये सारे के सारे क्या है ये सारे के सारे प्रोटोकॉल आपको बताना है कि यहां पर कौन सा मानक प्रोटोकॉल इंटरनेट द्वारा सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है तो आप बोलोगे कि सर बी ऑप्शन टीसीपीआईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो सबसे ज्यादा आपका काम में लिया जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं है अगला क्वेश्चन आपको बोल रखा है क्वेश्चन नंबर थर्टीन कंट्रोल प्लस सी का, का प्रयोग किसके लिए होता है कट के लिए कॉपी के लिए पेस्ट के लिए अंडू के लिए जल्दी बता दिए कंट्रोल के साथ में सी प्रेस करते हैं किसके लिए करते हैं बेटा बड़ा पर चांस रहना चाहिए इतना सिंपल क्वेश्चन है ये आप नहीं कर पा रहे हो बेटा गलत बात है नरेंद्र का आंसर यहाँ पर बी आया है नरेंद्र ने बोला है कि सर कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी जो है वो कॉपी के लिए होता है तो बी ऑप्शन बता रहा है नरेंद्र बिल्कुल नरेंद्र बी ऑप्शन बिल्कुल राइट right आंसर होगा पारुल का आंसर भी बी है कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए काम में लिया जाता है अब ये मत कर लेना कि सी है तो कट के लिए काम में आ जाएगा रोंग हो जाएगा क्या ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका विच ऑप्शन इज द राइट आंसर बी ऑप्शन अब देखिए बेटा आप जो बोल रहे थे कि सर सीटी की अगर हम बात करें तो सीटी में एक या दो क्वेश्चन ही कंप्यूटर के पूछे जा रहे थे मैंने आपको बोला था कि अप्रोक्स आपके टेन क्वेश्चन जो है वो सीटी में कंप्यूटर के पूछे जाएंगे हो सकते हैं दस से ज्यादा भी बट कम से कम दस क्वेश्चन आपके सी में कंफर्म पूछे जाएंगे कुछ स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं कि कितने क्वेश्चन सीटी में कंप्यूटर के पूछे गए थे ध्यान से देखिएगा बेटा एक पीडीएफ फाइल आपके सामने आ रही है उस पीडीएफ फाइल को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर बिल्कुल सही बता रहे थे बेटा एक एक बात का हमें पता चल जाता है कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर में से कैसे आने वाले तो यहां पर देखिएगा ये आपका सीटी का पेपर हुआ था यह मैं पीडीएफ आपके सामने लेके आया हूं इसको देखिएगा ये सीटी का पेपर है मेरे दोस्तों और इसमें आप देख सकते हो खुद से कि कितने क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के पूछे गए हैं अब ध्यान से देखना मैं इस सीटी के पेपर का सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूं चलो अब यहां पर देखना क्वेश्चन हम बात करेंगे केवल कंप्यूटर के क्वेश्चन की तो इनमें कोई क्वेश्चन कंप्यूटर का आए आपको दिख जाए तो आप जल्दी से बता दीजिएगा कि यस सर बिल्कुल ये क्वेश्चन कंप्यूटर का है यहां पर देखो अभी तक तो नहीं आया है कंप्यूटर का यहां पर देख सकते हो ये पेपर आपका लगा था ये सीटी का पेपर है ये मैथ्स के क्वेश्चन हिंदी के क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे करंट के भी क्वेश्चन आए थे ये देखिएगा एक क्वेश्चन यहां पर आया है कंप्यूटर का कंप्यूटर का क्वेश्चन क्या है बेटा ध्यान से देखो कंप्यूटर का क्वेश्चन ये पूछा गया है फॉलोइंग फॉर्मूला इन एक्सएल इज करेक्ट टू फाइंड सम ऑफ सेल ए वन ए टू एंड ए फोर आपसे बोला गया है कि एक्सेल में एक्सेल में ए वन से लेकर के ए फोर तक की जो सेल है सेल क्या होता है सेल होता है रो एंड कोलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये वाला इसको, इसको बोलते हैं सेल तो आपको बोला गया है कि सम जो होगा वो क्या होगा निम्नलिखित ने में से कौन सा एक्सेल फंक्शन ए वन ए टू सेल का योग खोजने के लिए सही है पहला बोल रखा है, इक्वल सम ए वन टू ए फोर तीसरा इक्वल सम ए वन सेमी कोलम ए फोर और चौथा है इक्वल सम ए वन कोलम ए फोर तो यहां पर देखिएगा इसकी अगर हम बात करें इसकी हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बहुत ही आराम से आप बता सकते हो कि सर बिल्कुल हमें समझ में आ गया ये तो कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन आपको पता है कि बेटा जब भी हम एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला काम में लेते हैं तो फॉर्मूला के पहले हम कौन सा साइन काम में लेते हैं इक्वल साइन काम में लेते हैं तो यहां पर इक्वल साइन से इसको स्टार्ट किया गया बहुत ही इजीली हमने क्वेश्चन को देखा है तो यहां पर देखो बहुत ही आराम से आप समझ गए होंगे कि क्या है क्वेश्चन में किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा है ये आपके क्लास का क्वेश्चन है आपको क्लास में यह क्वेश्चन करवाया हुआ है बेटा यह क्वेश्चन आपको क्लास में करवाया हुआ है आप पहले के वीडियो देख सकते हो पीडीएफ फाइल्स देख सकते हो उनमें यह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा चलो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिएगा एक और क्वेश्चन आपको बोला गया है कि वट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फोन साइज अवेलेबल इन फोन साइज टूल बार ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार कि फॉर्मेटिंग टूल बार में जो फॉर्मेट टूल होता है उसमें जो फोन होता है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम क्या साइज होती है देखिए फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फोन साइज टूल बार में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम फोन साइज क्या है एट एन सेवनटी टू सिक्स एन सिक्सटी एट एट एन सिक्सटी एट सिक्स एन सेवनटी टू तो बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा सीटी का पेपर है ये सीटी का पेपर है बेटा पेपर में कितने क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए अभी आप देख सकते हो थोड़ी देर में सारे क्वेश्चन में आपको सोल्व कराऊंगा तो ये का पेपर है अब आपको गलत फैमी नहीं रखनी है कि सर एक दो क्वेश्चन आएंगे तो उनको क्या पढ़े दस से लेकर के पंद्रह तक के क्वेश्चन आपके सीटी में कंप्यूटर के पूछे जा रहे तो यहां पर देखिएगा इस पेपर के थ्रू में आपको बता रहा हूं कि कितने क्वेश्चन तो बताओ क्या होगी अधिकतम और न्यूनतम फोन साइज ए ऑप्शन आठ बेहतर सेवेंटी टू एट एन सेवेंटी टू बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा कि मिनिमम जो होती है वो एट होती है और मैक्सिमम कितनी होती है सेवनटी टू अब इसके अलावा आप उसको कम ज्यादा भी कर सकते हो चलो ये मैं आपको दिखा देता हूं एक बार इसको हम स्टार्ट कर लेते अभी देखो एक ब्लैंक साइज मैंने ले ली है पर देखिएगा इसको हटाते होम पे जाते यहां पर देखो मिनिमम कितनी दिख रही बेटा आपको अरे, आप देख सकते हो यहां पर आप यहां ये फोन साइज ही तो है ना ये, यहां पर देखो मिनिमम कितनी दिख रही है आपको एट दिख रही है एट से मिनिमम आपको दिख रही है क्या चलो यहां पे लिख देते बार बार बोल रहे तो नाम लिख देते हैं यहां पर लीजिए अब यहां पर देखो फोन साइज में चेंज करूं ये कितनी हो गई नाइन मिनिमम कितनी है एट देख लिए और मैक्सिमम की बात हमने की थी तो इसमें मैक्सिमम जो है वो आपको कितनी दिखाई देखो और नहीं आ रही है ना और नहीं आ रही ना बेटा समझ गए बात मैक्सिमम कितनी है सेवनटी टू तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मिनिमम और मैक्सिमम जो फोन साइज है वो कितनी है एट एन सेवनटी क्लियर है बेटा बात बात समझ में आई कि नहीं आई तो ये है अपना सीटी का एक क्वेश्चन चलो इसको बंद कर देते सेव नहीं करेंगे इसको डोंट सेव तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा एट एन सेवेंटी टू बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई बात समझ में आ गई बेटा बिल्कुल आ गई है तो एक बार बोल दीजिएगा कि जी सर हमें ये बात समझ में आ गई है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें बहुत बढ़िया आगे देखते आगे कोई और क्वेश्चन अभी कोई और क्वेश्चन नहीं अभी बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं यहां पर देखते जाएगा क्वेश्चन आपको दिख जाए तो बताएगा यहां पर पेजेस का जो सीक्वेंस है ना बेटा वो सीधा नहीं है आगे पीछे के पेज है तो वो टेंशन आप मत लेना आप क्वेश्चन नंबर पर फोकस करना देखो ये एक और सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सिक्स वाला क्वेश्चन और देखिएगा सिक्सटी सिक्स में क्या बोल रखा है इन सी डी आर टाइप ऑफ सी डी डेटा कैन बी ओनली रिटर्न वंस ओनली रीड वंस रिटर्न रीड मेनी टाइम रिटर्न मेनी टाइम रीड वंस आपको क्या बोल रखा है सी डी आर सी डी आर जो होती है वो क्या होती है बताइए सी डी आर पर डेटा को सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है सिर्फ एक बार पढ़ा जा सकता है या कई बार लिखा जा सकता है एक बार पढ़ा जा सकता है या कई बार पढ़ा जा सकता है एक बार लिखा जा सकता है तो बताना आपको क्या होगा सी डी आर जल्दी बताइए बेटा क्या होगा इसका आंसर यह भी आपका सीटी में पूछा गया है CDR, देखो आर मतलब राइट जो किया जाता है रीड जो है वो कितनी भी बार आप कर सकते हो ना बेटा कितनी बार रीड कीजिए क्या है लेकिन इसमें लिखा जा लिख, लिखने का जो काम होगा वो केवल क्या होगा एक बार इसमें ये बोलेगा कि कई बार पढ़ा जा सकता है सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है हम इसमें एक बार ही लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं अपनी मर्जी हो जैसे मान लीजिए सीडी है उसमें आपने कोई मूवी रख ली है या कोई छोटा वीडियो रख लिया है तो उसको केवल एक बार ही कर सकते उसको रिमूव करके दूसरा नहीं डाल सकते तो उसको रिमूव नहीं कर सकते इसका मतलब एक बार ही तो लिख सकते हैं एक बार ही राइट कर सकते हैं लेकिन उस वीडियो को हम बार बार देख सकते हैं पहली बार देख लिया दूसरी बार देख लिया फिर आपका मन हुआ तो फिर देख लिया तो कितनी भी बार हम उसको क्या कर सकते हैं उसको पढ़ सकते हैं लेकिन लिखने का काम जो होगा वो केवल और केवल कितनी बार होगा एक बार होगा तो बताओ बेटा ये बात समझ में आई या नहीं आई आपको बात समझ में आ गई सबको चलिए बहुत ही बढ़िया अगला देखो आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे और सारे क्वेश्चन अपनी क्लासेज में से थे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो अपनी क्लास में से नहीं था ये देखिए एक और क्वेश्चन एक और क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन को देख लीजिए आपको बोला है द पर्पज ऑफ रन कमांड इन स्टार्ट मेन्यू इज टू ओपन सिस्टम लॉक लॉन्च इंटरनेट ब्राउजर स्टार्ट प्रोग्राम सर्च फाइल आपको बोला गया है कि जो रन कमांड होता है स्टार्ट मेन्यू में उसका काम क्या होता है ये आपको बताना है ऑप्शन दे रखे सिस्टम को लॉक खोलने में इंटरनेट ब्राउजर चलाने में प्रोग्राम चालू करने में या फाइल को ढूंढने में अब आप बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो मेरे अकॉर्डिंग कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी बताइए बेटा जल्दी से आपको यहां पर मैं प्रैक्टिकल से भी बता दूंगा कि जो रन कमांड होता है स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड जो होता है उसका काम जो होता है वो क्या होता है चलिए तो यहां पर आंसर जो होगा वो होगा प्रोग्राम को चालू करने के लिए तो आप यहां पर देख सकते हो बेटा देखो ये स्टार्ट है स्टार्ट में रन कमांड जो है वो देख सकते हो आप या फिर यहां पर देख लीजिए यहां पर भी आ जाएगा स्टार्ट में भी आ जाएगा

तो ये देखो स्टार्ट हो गया तो चालू करने के लिए ही हम इसको काम में लेते हैं सो so, ऑप्शन जो होगा वो चालू करने के लिए ऑप्शन देखिए तीन चार क्वेश्चन अपने आ चुके हैं तीन चार क्वेश्चन हम देख चुके हैं इसके आगे के क्वेश्चन और देख लेते हैं आगे के और देखो। बेटा ये मैं पेपर आपको इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि शायद तीन चार रोज पहले अपनी बात हुई थी आपने बोला था कि सर केवल दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर एक क्वेश्चन या फिर नहीं भी पूछा जाएगा तो इतना क्यों कंप्यूटर को हम पढ़े ये उसी का आंसर है कि कंप्यूटर के 10 से 15 क्वेश्चन आपके, आपके पूछे जा रहे हैं 10 टू 15 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं सीटी में तो सीटी में के लिए अगर आपको पास होना है तो आपको कंफर्म सीटी में कंप्यूटर तो पढ़ना ही पड़ेगा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बेटा यहां पर देख लीजिए एक और क्वेश्चन आया फाइंड द ओड वन आउट ओड वन आउट किसका क्वेश्चन है बाबा ये क्वेश्चन जो है वो आपका है बेटा कंप्यूटर का बोला गया है फाइंड ओड वन आउट सी प्लस प्लस MS माइ एस क्यूएल एमएसएक्सएस सी प्लस प्लस ओरेकल एम माइस क्यूएल और आपको बताना है इनमें से अलग कौन सा है अलग आपको छाटना है तो बेटा अलग कौन सा हो जाएगा इसका भाई एमएस एक्सल होगा माइ एस क्यूएल होगा या कौन सा होगा बोलो बताओ जल्दी से फटाफट से आंसर आना चाहिए एमएस एक्सेस एमएस एक्सेस जो होगा वो अपना आंसर होगा क्योंकि यहां पर देखो सी हो गया ओरेकल हो गया माइस्क्यूल हो गया ये तो किसका पार्ट है लैंग्वेज का पार्ट है ये लैंग्वेज है और एम एस एक्सेस जो है वो अलग है इसलिए आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा एक्सेल जो जो होगा वो अपना, जो होगा वो वो अपना अपना एक्सेस राइट आंसर आगे आप देख सकते हो बेटा आगे आप देख सकते हो यहां पर देखिए ये भी कंप्यूटर का नहीं है और आएंगे अभी कंप्यूटर के इतने क्वेश्चन नहीं है बेटा कंप्यूटर के और क्वेश्चन भी आएंगे बस देखते जाओ आप तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन बोला कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है एंटीवायरस एलयू कंट्रोल यूनिट असेंबलर कौन सा है जो आपके सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करने का काम करता है और यहां पर एक और क्वेश्चन देख लो ये देखिए दोनों साथ साथ फॉलोइ इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नॉन इंपैक्ट कौन सा है लेजर है डोटमेट्रिक्स है ड्रम है डेजी वील है कौन सा नॉन इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट जिसपे प्रहार की जरूरत नहीं पड़ती इंक्रे से वो आंसर दे देता है लेजर है डोटमेट्रिक्स है डेजी वील है ड्रम है ये दोनों आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाए हैं बेटा दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके क्लास में करवाए हुए क्वेश्चन है तो आप देख सकते हो इनका आंसर क्या होगा फटाफट पड़ से देखिए और बताइए बेटा आराम से आप आंसर दे सकते हो इनका बताओ बेटा क्या होगा दोनों का आंसर फिफ्टीन एंड ट्वेंटी यार आंसर कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है और कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है दोनों में से एक आंसर सुनीता मिश्रा वेरी गुड इवनिंग सुनीता बहुत लेट हो गई सुनीता चलो इसका आंसर में बता देता हूँ असेंबलर जो होगा वो आपका राइट right आंसर होगा और कौन सा है जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो होगा वो हो जाएगा लेजर प्रिंटर लेजर प्रिंटर जो होता है वो आपका कौन सा है नॉन इंपैक्ट टाइप का है बिल्कुल सही आंसर बहुत ही बढ़िया बेटा अब आगे और देख लेते हैं अभी क्वेश्चन की भरमार है बेटा अभी कहां आपने को रुकना है अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन और है देखो आप देखते जाओ कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट है सीटी के लिए ऐसे हवा में बात नहीं होनी चाहिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर वन 112 नंबर क्वेश्चन देखो इन पावर पॉइंट टू काइंड ऑफ साउंड इफेक्ट फाइल दैट कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन कौन सी है दो प्रकार की फाइल साउंड फाइल जो आपके पावर पॉइंट में जोड़ सकते हैं डॉट जेपीजी जी आई एफ वेव एंड मिड वेव एंड जी आई एफ वेव एंड जेपीजी बताइए बेटा जल्दी से फटाफट पड़ से आंसर आना चाहिए इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा ये आपका सीटी का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन चल रहा है बेटा बताओ जल्दी से बताओ फटाफट से क्या होगा इसका आंसर ओके okay, सुनीता बोल सर बी ऑप्शन वेव एंड मिड फाइल क्या बात है सुनीता बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत शानदार रिप्लाई बी ऑप्शन मतलब वेव एंड मिड फाइल दोनों की दोनों साउंड इफेक्ट फाइल जो है वो आपकी जोड़ी जा सकती है किस में जोड़ी जा सकती है पावर पॉइंट में पावर पॉइंट में दो तरीके के साउंड इफेक्ट फाइल प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती है वो है वेव एन मिड यहां पर देखो साउंड इफेक्ट वाली बताइए वैसे gif एप और एपी जेपीजी भी जोड़ी जा सकती है बट दोनों के दोनों साउंड इफेक्ट वाले होनी चाहिए तो साउंड इफेक्ट वाले तो यही है देखो इसमें जेपीजी आ गई gif में जेपीजी आ गई तो वेव एंड मिड फाइल यानी बी ऑप्शन जो होगा वो अपना क्या right answer. हो जाएगा राइट आंसर बहुत ही बढ़िया अभी और क्वेश्चन आएंगे बेटा रुकना नहीं है ये कंप्यूटर है बेटा कंप्यूटर जानते हो ना कंप्यूटर ये इतना ही नहीं है जो आपको दो तीन क्वेश्चन दे और खत्म कर दे कम से कम पंद्रह क्वेश्चन कम से कम पंद्रह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी नाइन विच प्रोग्राम हेल्प द यूजर टू तो व्यू डिफरेंट तो वेबसाइट ऑन वेब द इंटरनेट सर्च इंजन सिस्टम प्रोग्राम सर्वर प्रोग्राम ब्राउजर प्रोग्राम कौन सा होगा जो आपको अलग अलग फाइल्स दिखाने में आपकी हेल्प करेगा फटाफट -पड़ से बताइए बेटा, -पड़ बताइए, ब्राउजर प्रोग्राम बिल्कुल सही है ब्राउजर प्रोग्राम जो होता है वो ही आपको अलग अलग तरीके की जो वेबसाइट होती है उनको दिखाने का काम करता है अभी और देखेंगे बेटा कंप्यूटर के ही क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए ये इतने क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के अगर हम काउंट करें तो क्वेश्चन होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन थर्टीन तेरा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के पूछे गए अब देखो तेरा क्वेश्चन थर्टीन क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं आप ये समझ लो कि ये तेरा क्वेश्चन जो है वो ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण मान लीजिए थर्टीन क्वेश्चन आप नहीं करके आओ तो क्या होगा एग्जाम से सीधे आप बाहर एक दो क्वेश्चन की, की बात और आगे जितने भी पेपर हुए उन सब पेपर में पंद्रह पंद्रह क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के पूछे गए तो कंप्यूटर तो आपको पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर तो आपको समझना पड़ेगा तो दोस्तों ये था आज की क्लास में थर्टीन क्वेश्चन ये हो गए और थर्टीन क्वेश्चन ही आपने वहां पे देख ले इसके दो क्वेश्चन और देख लेते क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपसे बोला गया सिलेक्ट ओल की शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल ए कंट्रोल एल कंट्रोल अल्टर ए अल्टर एल जल्दी बताइए जल्दी बताइए बेटा कौन सी है सिलेक्ट ओल की शॉर्टकट की बिल्कुल सबको सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में GTRL प्लस A जब आप प्रेस करते हो तो सारे के सारे क्या हो जाते हैं हो जाते हैं तो सबको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए ये लास्ट क्वेश्चन आपका सबसे अधिक सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्रिंटर कौन सा है बेटा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर और प्लॉटर जल्दी बताओ कौन सा है जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाने वाला प्रिंटर है आंसर दो yup बेटा डॉट मैट्रिक्स होगा लेजर होगा इंकजेट होगा या प्लॉटर यानी बी ऑप्शन आपने दिया है कि सर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट है बिल्कुल पारुल बी ऑप्शन यानी बी ऑप्शन मतलब लेजर प्रिंटर जो है वो सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला लेजर प्रिंटर है तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्वेश्चन जो किए वो अप्रोक्स कितने हो गए थर्टी के लगभग तीस के लगभग क्वेश्चन हो गए इस एक घंटे की क्लास में हमने तेज क्वेश्चन कर लिए तो कैसा रहा आज का सेशन थोड़ी तबियत खराब होने की वजह से क्लास को जल्दी फ्री करना पड़ेगा वरना मन था दो घंटे क्लास लेने का तबियत थोड़ी सी कमजोर है हिम्मत नहीं है क्लास लेने की तो दोस्तों अलविदा लेते हैं आपसे बट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएगा कि जो मैंने आपको पेपर सोल्व करवाया है कैसा रहा पेपर क्या पेपर का लेवल था आपका पेपर हुआ कि नहीं हुआ ये सारी बातें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे और जो आज के क्लास में तीस क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो क्लास में थर्टी क्वेश्चन कैसे रहे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए और सबसे जरूरी बात अगर आपने रिजल्ट गुरु के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाओ और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि इसी से आपको नोटिफिकेशन का पता चलेगा चले वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना बेटा कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता है कमेंट करके जरूर बताएगा कि कैसा रहा आज का सेशन और आप लोग अगर इसी तरीके से जुड़े रहेंगे तो हार्ड वर्क में कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल आपको सारे पेपर यहां पे सोल्व करवाए जाएंगे आप बस कंटिन्यू क्लास लेते रहिएगा और यह हमारी गारंटी है कि जो क्वेश्चन सीटी में आ रहे हैं आप पहले के वीडियो उठा के देख लीजिएगा कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जा रहा है जितने सेशन मैंने लिए हैं सारा आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक करवा दिया है कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जा रहा है तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक अच्छे से क्लास आप अटेंड कीजिएगा और आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आगे की जो क्लासेस होगी महामेराथन की उन सब में भी आप जुड़े रहेगा कल फिर मिलेंगे सात से आठ की क्लास में तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा टेक केयर और क्षमा चाहते हैं आज से माफी चाहते हैं आज की क्लास हम कंटिन्यू नहीं रख पाए चलो थैंक यू गुड नाइट टेक केयर जय हिंद जय जै भारत हेलो साथियों कैसे आप सब मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे आप सभी जय श्री कृष्ण सभी को राधे कृष्ण बच्चा फटाफट एक बार इस सेशन को अच्छे से लाइक और शेयर कर देंगे बच्चा अब आप लोगों की चालू होती है मैथ की क्लास भाई कौन सी क्लास चालू हो रही है मैथ की क्लास इसमें हम लोग अच्छे अच्छे सवाल देखने वाले हैं बच्चा तो सारे सारे बच्चे एक बार दबा के अच्छे से लाइक और शेयर कर देंगे भाई क्या क्लास को अच्छे से दबा के लाइक और शेयर कर देंगे भाई चलते हैं आज के सेशन पर बच्चा आप लोग सबसे पहले रिजल्ट गुरु लाइव क्लासेज ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले बच्चा रिजल्ट गुरु लाइव क्लासेज ऐप को आप लोग जरूर डाउनलोड कर ले बच्चा जहां पर आपको जहां पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे वहां आपको यूपी पुलिस का मिलेगा एस एस सी सी जी एल का मिलेगा सी एच एस एल का मिलेगा सी टेट का भी मॉक टेस्ट आपको यहां पर मिलेगा एस एस सी एम टी एस का भी मॉक टेस्ट आपको यहां पर मिलेगा मतलब जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं सबके मॉक टेस्ट आपको यहां पर उपलब्ध होंगे भाई जहां पर आप लोगों के लिए डेली लाइव क्लासेस चल रही है बच्चा आप लोगों के लिए डेली लाइव क्लासेस चल रही है अब चलते आज के पहले सवाल पर भाई। सारे के सारे बच्चे हाँ भाई सारे के सारे बच्चे एक बार इस सेशन को ना अच्छे से दबा के लाइक और शेयर कर देंगे ओके अब देखो पहला सवाल क्या कह रहा है कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ए इज द स्मॉलेस्ट फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट निम्न भिन्नों में से कौन सी सबसे छोटी है भाई कौन सी सबसे छोटी है तो एक बात बताओ आपको जो दिया हुआ पार्ट है ना उसकी वैल्यू निकाल दो सात बटा सोलह का मतलब होता है एक पॉइंट एक छ दो बटा तीन यही आएगा आगे जाके यहां इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये होता है एक पॉइंट और ये एक बटा नौ का मतलब होता है ध्यान दो एक बटा नौ का मतलब होता है ग्यारह सही एक बटा और दो बटा नौ का मतलब होता है बाईस सही दो बटा नौ तो यह आएगा पॉइंट बाईस चार बार बा, बटा पांच का मतलब होता है जीरो पॉइंट अस्सी और पांच बटा सात का मतलब एक बटा सात का मतलब होता है बच्चा चौदह सही दो बटा सात इसे हमने पांच मल्टीपल कर दिया पांच बटा सात तो ये हो जाएगा चौदह पंचो सत्तर ऊपर हो जाएगा दस बटा सात मतलब इकहत्तर और ऊपर बचेगा तीन बटा सात मतलब ये आ जाएगा भाई साहब जीरो पॉइंट सेवन वन, वन। ये अस्सी जा रहा है अब आपसे पूछा है सबसे छोटी कौन सी है स्मॉलेस्ट पार्ट पूछा है भाई सबसे छोटी पूछ रही है ये सबसे छोटी नहीं है सबसे छोटी नहीं है सबसे छोटी नहीं है केवल कौन सी है बटा सात। क्लियर है क्या कौन सी है बटा सात आपना फ्रैक्शन की वैल्यू देखा करो हमेशा और आपको मैंने परसेंटेज में फ्रैक्शन परसेंटेज और उनकी वैल्यू ये समझाई हुई है मैंने आपको क्लियर है भाई सारे के सारे बच्चों को प्रणाम बच्चा जय श्री कृष्णा राधे कृष्णा फटाफट क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे अगला सवाल कह रहा है इसका घन क्या है भाई क्या कह रहा इसका है इसका घन जब भी ध्यान देना तीन अंकों की संख्या हो और उसका घन पूछा जाए और उसका घन पूछा जाए तो करना यह है कि उस सोया हजार के किसके आसपास है सोया हजार के आसपास देखनी है अब उस कंडीशन में आपको क्या देखना है कि कितनी कम और ज्यादा है तो यहां पर देखा नाइन नाइन सेवन ये हजार के आसपास है भाई कितना कम है तीन कम है जितना कम है ना उसका सबसे पहले उतना गुणा कर दो और उसका घन कर दो भाई इसका मतलब तीन का तीन मल्टीपल और तीन का घन कर देंगे तो ये तो हो जाएगा नौ ये हो जाएगा सत्ताईस मतलब हजार में से इतना कम कर दो और यहां पर हजार में से इतना कम कर दो भाई बात क्लियर हुई दोनों ही जगह हजार में से कम करना है तो स्टार्टिंग के तीन पद आ जाएंगे लास्ट के तीन पद आ जाएंगे सवाल खत्म क्लियर है क्या आ भाई क्लियर है क्या स्पीड से कर देंगे भाई सारे के सारे बच्चे ओके स्पीड से कर देंगे भाई सारे के सारे बच्चे मैंने क्या कहा अभी यदि संख्या सौ के आसपास है या हजार के आसपास है तो आप सबसे पहले ये देखो कितना कम या ज्यादा मैंने साफ साफ बोला है उसका घन होना चाहिए तीन अंकों वाली संख्या है अब जितनी कम है ना उसका तीन गुना घटा दो और उसका घन घटा दो सवाल खत्म तो हजार में से नौ घटाएंगे तो नौ सौ इकान में शुरू के तीन पद और हजार में से सत्ताईस घटाएंगे तो नौ सौ तेहत्तर होगा कि नहीं होगा भाई मतलब शुरू के तीन पद आ गए लास्ट के तीन पद आ गए सवाल खत्म आ भाई शुरू के तीन पद आ गए लास्ट के तीन पद आ गए सवाल खत्म भाई बताओ कोई दिक्कत है क्या हा भाई बताओ कोई दिक्कत है क्या आपको आज आ जा रही है ना शुरू में तीन पद नौ सौ इकान में चाहिए तो नौ सौ में तीन चारों में है लास्ट में नौ सौ तेहत्तर होना चाहिए तो नौ सौ है के यहां नहीं है नहीं है नहीं है केवल यहीं पर है बताओ अब इससे ज्यादा सस्ता और इससे ज्यादा अच्छा कहीं हो सकता है क्या हाँ भाई इससे ज्यादा सस्ता और इससे ज्यादा अच्छा हो सकता है क्या अगला सवाल देखो अच्छा सवाल है रहा है किसी संख्या को आठ सौ निन्यानवे से भाग देने पर शेषफल तिरसठ बचता है भाग किससे दे रहे हैं आठ सौ निन्यानवे तिरसठ यदि उसी संख्या को ट्वेंटी से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा जब भी आपको भाजक संख्या दी जा रही है उसका शेषफल दिया जा रहा है फिर दूसरी भाजक संख्या का शेषफल पूछा जाए तो पहले भाजक में यदि दूसरे भाजक का पूरा पूरा भाग जा रहा है ना तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर दो क्या करेंगे 899 का भाग देते हैं तो शेषफल भाई साहब तिरसठ बचता है 29 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा तो आपको क्या करना है जो शेषफल है ना पहला उसमें भाग दे दो 29 का सवाल खत्म मतलब दूसरे भाजक का तो आपने तिरसठ में 29 का भाग देना है दो बार 58 कितना बचेगा भाई साहब पांच बचेगा मतलब अब पांच शेषफल आपका प्राप्त हो जाएगा भाई शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा पांच ले आ रहे। आगे चले भाई अगला सवाल हाँ भाई अगला सवाल स्पीड से कर दो भाई स्पीड से कर दो भाई सारे के सारे बच्चे कह रहा है नौ की पावर छह माइनस ग्यारह को आठ से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा अरे सवाल को स्पीड से करो भाई नौ की पावर छह माइनस का ग्यारह डिवाइड बाई आठ आप पहले घात वाले को हल करो उसके बाद बिना घात वाले को तो नौ की पावर 6 ऊपर वाला बड़ा है नौ को आप आठ से डिवाइड करोगे तो घात कितनी भी व्यवसेष फल हमेशा एक ही बचेगा तो हम कहेंगे यहां से जो शेषफल बचेगा वो एक और माइनस का कितना चल रहा है ग्यारह बटेमा मतलब फाइनली क्या आएगा माइनस का दस बटेमा हम माइनस दस बटा आठ करते हैं तो शेषफल क्या आएगा माइनस का दो आएगा मैं हमेशा कहता हूं कि माइनस और प्लस के शेष फलों का जो योग होता है ना वो भाजक के बराबर होता है तो भाई साहब माइनस का दो है तो प्लस का कितना बचेगा आपका छ बचेगा प्लस का कितना बचेगा छह आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा छ हो जाएगा भाई आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा छ हो जाएगा भाई क्लियर है क्या अगला सवाल भाई कह रहा है उनचास की पावर पंद्रह माइनस एक किस संख्या से पूर्णतः तो विभाजित है तो ध्यान दें यहां से उनचास की पावर पंद्रह माइनस का एक आपके पास दो फॉर्मेट होते हैं क्या क्या होते हैं वो भी देख लो भाई यदि हम लोग देखो मैं पूरा डिटेल दे देता हूं आपको पूरा डिटेल दे दिया मैंने आपको यहां पर जब अंश हर का अंतर ए को तो अंश व हर का अंतर ए को तो नंबर एक कंडीशन क्या बनती है अंश बड़ा है हर छोटा मैंने कहा अंश बड़ा है भाई हार छोटा है इनका अंतर कितना एक अब हमारी घात अंश पर घात हमारी सम है चाहे घात हमारी विषम है शेष फल कितना आएगा भाई साहब एक यहां भी शेष फल कितना आएगा भाई साहब एक आएगा जब ऊपर वाला बड़ा है मतलब वो घात पर डिपेंड नहीं कर रहा बस पहली शर्त क्या है कि अंश और हर में अंश हमेशा बड़ा होना चाहिए एक के अंतर पर दूसरी कंडीशन क्या पैदा होती है हमारे साथ में भाई साहब दूसरी कंडीशन क्या पैदा होती है ऊपर वाला तो छोटा है एक एक अंक से और नीचे वाला बड़ा है तो अब आपकी घात इंपॉर्टेंट घात में देखो अब आप लोग सम यदि घात सम है ना तो शेषफल आपका एक बचेगा और घात विषम है तो शेषफल आपका स्वम संख्या बचेगा शेषफल क्या बचेगा स्वम संख्या भाई साहब शेषफल क्या बचेगा स्वम संख्या स्वम संख्या का मतलब हुआ अंश वाला ही शेषफल का काम करेगा क्लियर हुआ हाँ भाई क्लियर है ना यहां तक आपकी डिटेल एकदम परफेक्ट है अब मैं ये कहूंगा यहां पर जो घात है वो कैसे विषम है और पूर्णता विभक्त होना चाहिए पूर्णता विभक्त कब होगा जब फोर्टी नाइन की पावर पंद्रह को किसी संख्या से विभक्त किया जाए तो शेषफल एक बचना चाहिए ताकि उसे माइनस एक करते ही खत्म कर दिया जाए मतलब शेषफल कितना बचना चाहिए एक और एक कब बचेगा जब आपकी घात कैसी हो सम और विषम का कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो इसका मतलब आपका अंश बड़ा होना चाहिए कितने अंतर से भाई साहब एक के अंतर से या उनचास है तो एक के अंतर से बड़ा है तो नीचे वाली संख्या अड़तालीस होनी चाहिए अब ऑप्शन में अड़तालीस नहीं है अगर ऑप्शन में अड़तालीस नहीं है तो अड़तालीस का फैक्टर हमारे उत्तर का, का काम करेगा अड़तालीस के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं अब ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पर पचास अड़तालीस का ऑप्शन है क्या नहीं इक्यावन है क्या नहीं उनतीस है क्या नहीं आठ है फैक्टर का मतलब वो संख्या में उन संख्याओं का भाग जाना चाहिए जो उसके फैक्टर हैं तो साहब अड़तालीस में पचास का भाग नहीं जा रहा है इक्यावन का भाग नहीं जा रहा उनतीस का भाग भी नहीं जा रहा केवल किसका जाएगा आठ का भाई केवल किसका जाएगा आठ का भाग जाएगा भाई क्लियर है ना हाँ भाई क्लियर है क्या ओके एक बार सारे के सारे बच्चे ना इस क्लास को अच्छे से लाइक और शेयर कर देंगे भाई सारे के सारे बच्चे एक बार अच्छे से क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे भाई ओके स्पीड से कर दिया करो भाई स्पीड से वेरी गुड फटाफट कर दिया करो एकदम परफेक्ट भाई आगे चलें, हा भाई आगे चलें, अगला सवाल हाँ भाई अगला सवाल और फटाक से कर दो फटाक से कर दो भाई फटाक से कर दो भाई ओके okay. क्या कह रहा है देखो यदि पांच चार तीन दो स्टार सात नौ से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा एक बात ध्यान रखा करो जब भी कोई संख्या तीन से या नौ से विभाजित है जब कोई संख्या तीन या नौ से विभाजित है तो उसके अंकों का योग भी उससे विभाजित होना चाहिए तीन से विभाजित है तो तीन से विभाजित होना चाहिए अंकों का योग और संख्या नौ से विभाजित है तो अंकों का योग भी नौ से विभाजित होना चाहिए इसका मतलब यहां से नौ का मल्टीपल हटा दो भाई सवाल खत्म तो मैं कहूंगा पांच चार तीन दो स्टार सात ये पूरी की पूरी संख्या क्या है नौ से विभाजित है नौ के मल्टीपल में तो आप अंकों का योग करोगे तो वो भी के मल्टिपल तो के मल्टिपल के तो नौ के मल्टीपल में होंगे तो नौ के मल्टीपल में अंकों का योग हटा दो पांच चार नौ हटा देंगे सात और दो नो हटा देंगे क्या बच रहा है तीन मैंने कहा अंकों का योग तो भाई साहब तीन और स्टार बच रहा है तो इनका योग भी नौ के मल्टीपल में नौ के मल्टीपल में होने का मतलब तीन में कितना जोड़ दिया जाए कि नौ के मल्टीपल में या नौ आ जाए भाई साहब छह जोड़ना पड़ेगा इसका मतलब स्टार का मान कितना प्राप्त हो जाएगा हमें छह प्राप्त हो जाएगा भाई स्टार का मान कितना प्राप्त हो जाएगा भाई छह प्राप्त हो जाएगा क्लियर है क्या हा भाई क्लियर है क्या ओके स्पीड से कर दो भाई वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड फटाफट किया करो देखो एक तो ना आप लोग फटाफट किया करो अगला सवाल भाई क्या रहा है टैंक का एक चौथाई भाग 135 लीटर को दिखाता है एक चौथाई भाग यदि टैंक में 180 लीटर है तो टैंक कितना भरा हुआ है तो मैं कहूंगा एक चौथाई भाग कितना है 135 लीटर तो कुछ भी मान लो आप तो क्या कुछ भी मान लो मतलब एक के अनुपात में 135 लीटर है तो पूरा भरा होगा तो चार के अनुपात में होगा तो कितना हो जाएगा एक मल्टीपल चार कितना हो जाएगा भाई साहब छह लीटर हो जाएगा सॉरी पांच लीटर हो जाएगा कितना हो जाएगा 540 लीटर 135 मल्टीपल चार करेंगे तो 540 लीटर हो जाएगा 35 दूना सत्तर दुना एक क्लियर हुआ अब टोटल पानी 140 लीटर है और हमें कितना भरना है 80 लीटर तो अब हम कहेंगे 180 लीटर पानी डाला टोटल चाहिए 540 तो कितना भरा होगा भाई साहब एक बट्टा तीन भाग भरा होगा कितना भरा होगा एक बट्टा तीन भाग भरा होगा क्लियर है क्या हाँ भाई क्लियर है क्या एकदम परफेक्ट है ना ओके स्पीड से किया करो भाई वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई स्पीड से किया करो एकदम परफेक्ट भाई आगे चलें। अगला सवाल। अगला सवाल अगला सवाल भाई अगला सवाल देखो क्या रहा है पिछला सवाल आपका क्लियर और अगला सवाल कह रहा है तीन सौ उन्तर के आधे भाग का दो बटा तीन भाग क्या होगा तो मैं कहूंगा थ्री सिक्स नाइन का आधा भाग मतलब एक बटा दो उसका टू बाई थ्री लेना है तो दो से दो कट जाएगा और तीन से काटेंगे तो हम कहेंगे थ्री सिक्स नाइन को तीन से काटेंगे तो वन टू थ्री बचेगा भाई कितना बचेगा वन टू थ्री बचेगा हा भाई कितना बचेगा वन टू थ्री बचेगा भाई क्लियर है अगला सवाल किसी संख्या के एक बटा पांच उसी संख्या के एक बटा दस भाग से दस अधिक है एक बटा दस भाग से दस अधिक है भाई तो संख्या क्या होगी मैं कहूंगा माना संख्या कुछ भी मान लो एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस कुछ भी मान लो मैंने कहा पी है भाई तो पी का एक बटा पांच उसी संख्या के एक बटा दस से दस अधिक है तो मैं कहूंगा पी बटा पांच पी बटा दस और इनका अधिक होना कम होना मतलब अंतर को दिखाता है भाई साहब लघुतम ले लो तो लघुतम दस आ जाएगा टू पी माइनस का पी तो पी का मान क्या जाएगा दस मल्टीपल दस मतलब सौ। क्लियर है क्या उसका एक बटा पांच भाग एक बटा दस भाग से दस अधिक है भाई आंसर कितना आना चाहिए सो आना चाहिए भाई आपको सिद्ध भी कर देता हूं अगर संख्या सो है तो सो का एक बटा पांच कितना होता है बीस तो भाई साहब सो का एक बटा दस कितना होता है दस तो ये बताओ ये दस फालतू हुआ कि नहीं हुआ ऊपर वाला और दस की बात ही तो कर रहा है मतलब राइट आंसर क्या होना चाहिए आपका राइट आंसर हंड्रेड होना चाहिए हंडरेड राइट हो जाएगा भैया कभी कभार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है उस पर मत जाया करो राइट आंसर क्या होगा हंड्रेड होना चाहिए भाई क्लियर है ना आगे चले अगला सवाल भाई देखो कितना अच्छा सवाल दिया है कह रहा है कक्षा में छात्रों का तीन बटा पांच लड़कियां सवाल अच्छा है भाषा के हिसाब से तो मोस्ट कर लेना भाई एक कक्षा में छात्रों का तीन बटा पांच भाग लड़कियां शेष है। लड़के हैं यदि लड़कियों का दो बटा नौ और लड़कों का एक बटा चार अनुपस्थित रहता है तो कुल कितने विद्यार्थी कितने विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है आपसे क्या पूछा जा रहा है एकदम फ्रैक्शन पूछा जा रहा है जब भी फ्रैक्शन रेसो परसेंटेज पूछा जाए ओरिजिनल राशि इंपॉर्टेंट नहीं होती है तो मैंने यहां कहा लड़के और लड़कियां थोड़ा सा साइड में लिख दू मैं इसको ताकि दिक्कत नहीं हो भाई ये लड़की हो गई और ये लड़के हो गए टोटल लड़के कितने हैं पांच उनमें से लड़कियां कितनी है तीन पांच लड़के लड़कियों में से तीन लड़कियां हैं तो लड़के कितने बचे दो टोटल लड़के लड़कियां कितने हैं पांच पांच का तीन बटा पांच तो तीन लड़कियां हुई और शेष बचे लड़के तो लड़के कितने हुए दो जब भी आपसे पूछा जाए कि दो बटा नौ तीन बटा नौ चार बटा नौ तो आपसे पूछा क्या एक तो दो बटा नौ पर बात की हुई है एक एक बटा चार पर बात की हुई है हर वालों का एलसीएम ले लो भाई साहब हर वालों का एलसीएम कितना आएगा छत्तीस मतलब मैं ये कहूंगा मैं ये कहूंगा कि नौ और चार का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा छत्तीस सही है क्या आप इन संख्याओं को या तो छत्तीस से मल्टीपल कर दो या बड़ी वाली संख्या को छत्तीस में बदल दो भाई सब बड़ी वाली संख्या को छत्तीस में बदलेंगे तो करना क्या होगा बारह से मल्टीपल करना होगा भाई तो ये भी बारह से मल्टीपल कर दो सवाल खत्म बारह से मल्टीपल करना है बड़ी वाली संख्या को सवाल खत्म भाई अब कैलकुलेट ले लो कह रहा है लड़कियों का लड़कियों का दो बटा नौ लड़कों का एक बटा चार अनुपस्थित रहता है और आपसे पूछा किसका उपस्थित का, का? यदि दो बटा नौ लड़के अनुपस्थित हैं तो उपस्थित कितनी है उपस्थित सात बटा नौ लड़कियां हैं तो सात बटा नौ लड़के उपस्थित है एक बटे चार लड़के अनुपस्थित है तो उपस्थित कितने है? तीन बटा चार तो मैं कहूंगा भाई साहब तीन बटा चार लड़के उपस्थित हैं किसका दी गई संख्या का तो भाई साहब संख्या क्या दी हुई है यहां पर तीन यहां पर बारह यहां पर दो यहां पर बारह काटा पिटी कर दो सवाल खत्म हा भाई काटा पिटी कर दो सवाल खत्म तीन से काटेंगे तीन बार और तीन से काटेंगे चार बार भाई साहब दो से काटेंगे तो दो बार और दो से काटेंगे तो छह बार और भी कट रहा है क्या तो यहां सात सौ का अट्ठाईस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका छत्ती अठारह भाई साहब और भी कट रहा है क्या दो से कट रहा है क्या ये चौदह और ये नौ हो जाएगा कितना हो जाएगा चौदह और नौ लेकिन आपको अब ये लास्ट में रेशो नहीं लेना है इसका लास्ट में जाकर के रेशो नहीं लेना है भाई इसका मतलब टोटल लड़कियां कितनी थी छत्तीस टोटल लड़के कितने थे चौबीस छत्तीस और चौबीस कितने होते हैं साठ साठ में से अब हम यहां से कहेंगे उपस्थित हिस्सा या उपस्थित संख्या लड़कियां अट्ठाईस उपस्थित है लड़के अठारह उपस्थित है टोटल कितना है छत्तीस और टोटल लड़के कितने हैं? भाई साहब चौबीस ऊपर का कितना हो जाएगा अट्ठाईस आठ छत्तीस और दस छियालीस ये तो हो जाएगा छियालीस ये हो जाएगा साठ और दो से काटेंगे तो तेबीस और तीस कितना आएगा तेबीस तीस का रेसो उपस्थिति को दर्शाएगा भाई तेबिस तीस का रेसो उपस्थिति को दर्शाएगा भाई क्लियर है क्या जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं सबको प्रणाम खुशी मेरा प्यारा बच्चा एकदम परफेक्ट गुड इवनिंग खुशी मेरा प्यारा बच्चा खुशी बाडमेर से है शायद बाडमेर से है बटा बटातीस आपका राइट हो जाएगा जब भी आपसे अनुपात पूछा जाए परसेंटेज पूछा जाए फ्रैक्शन पूछी जाए आप ओरिजिनल संख्या लो जरूरी नहीं है ये जरूरी नहीं है कि इनके लिए आप ओरिजिनल संख्या पर ही काम करो क्लियर है अगला सवाल भाई कह रहा है एक पिचासी मीटर लंबाई की छड़ को दो भागों में विभाजित किया जाता है 85 फाइव मीटर लंबी एक छड़ है और उसको दो भागों में बांटना है यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का दो तिहाई है यही तो इंपॉर्टेंट होता है पहला भाग और दूसरा भाग तुलना तो दूसरे से हो रही है तो हर वाला हिस्सा दूसरे भाग को दर्शाएगा दूसरे हिस्से को दर्शाएगा तो दूसरा हिस्सा तीन है तो पहला हिस्सा दो हो जाएगा तीन का दो बटा तीन कितना आएगा दो ही तो आएगा भाई साहब अरे तीन का दो बटा तीन कितना आएगा दो ही तो आएगा भाई मतलब पहला हिस्सा दो के अनुपात में और दूसरा हिस्सा तीन के अनुपात में तो टोटल क्या हो जाएगा पांच के अनुपात में हो जाएगा तो मैं कहूंगा ये टोटल पांच के अनुपात में है और पांच के अनुपात में टोटल छड़ कितनी है पिचासी मीटर मतलब अनुपात का सत्रह मल्टीपल जा रहा है कह रहा बड़ा हिस्सा कौन सा है तो भाई साहब तीन के अनुपात में अनुपात का सत्रह मल्टीपल मतलब इक्यावन मीटर का होगा कितने मीटर का इक्यावन मीटर का आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई क्या राइट हो जाएगा डी ऑप्शन बताओ कोई दिक्कत है क्या हा भाई बताओ कोई दिक्कत है क्या आगे चलें क्या अगला सवाल कह रहा है निमन में से दो बटा पांच और चार बटा नौ के बीच उपस्थित भिन्न होगी अब इंपॉर्टेंट दो बटा पांच इसका मान होता है जीरो पॉइंट चालीस और चार बटा नौ इसका मान होता है चम्बालीस हाँ भाई ग्यारह चौगा चीस और ऊपर आएगा चार बटा नौ चार बटा नौ का मतलब पॉइंट चम्बालीस मान के चलो पॉइंट चम्बालीस और पॉइंट चालीस के बीच का मान इनके बीच की वैल्यू को दिखाएगा अब हम जानते हैं एक बटा सात का मान होता है चौदह सही दो बटा सात तो भाई साहब तीन बटा सात का मान क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बयालीस सही छह बटा सात मतलब इसका जो मान आएगा ना वो आएगा जीरो पॉइंट बयालीस और आगे और हो जाएगा इसका मान जो आएगा वो आएगा जीरो पॉइंट छियासठ और, इसका, और इसका, मान इसका मान आएगा जीरो पॉइंट अस्सी इसका मान आएगा जीरो पॉइंट पचास एक बात बताओ मैक्सिमम मान कितना है हमारा जीरो पॉइंट चालीस और मिनिमम मान कितना है जीरो पॉइंट चालीस मतलब जीरो पॉइंट चम्वालीस से बड़ा मान अगर कोई है तो उसे रिजेक्ट कर दो भाई साहब जीरो पॉइंट चमालीस से बड़ा है तो उसको रिजेक्ट कर दो ये बड़ा है ये भी बड़ा है ये भी बड़ा है एक मान ही बचा है तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा ए ऑप्शन भाई राइट क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा भाई क्लियर है ना एकदम परफेक्ट है सबका एकदम मजा आ रहा है ना सबको समझ में आ रहा है ना एकदम परफेक्ट ओके अगला सवाल भाई कह रहा है यदि किसी संख्या का तीन गुना इस संख्या के तीन बटा पांच से साठ अधिक है मैंने कहा संख्या मान लो भाई पहले तो हमने कहा माना संख्या क्या है पी मान लिया हमने क्या मान लिया भाई साहब पी अब पी का तीन गुना और पी के तीन बटा पांच से कितना अधिक है भाई साहब साठ अधिक है भाषा के हिसाब से करना है संख्या का तीन गुना मतलब थ्री पी संख्या के तीन बटा पांच मतलब थ्री पी बटा पांच से कितना अधिक अधिक है साठ कम होना अधिक होना मतलब उनके अंतर को दिखाता है लघुतम ले लो भाई सवाल खत्म लघुतम आ जाएगा पांच ये हो जाएगा पंद्रह पी माइनस का थ्री पी बराबर साठ पंद्रह पी में से तीन पी घटाएंगे तो बारह पी बचेगा बारह पी साठ चल ही रहा है पांच और आ जाएगा भाई साहब बारह से काटेंगे तो पांच बार पी का मान क्या हो जाएगा पच्चीस मतलब संख्या क्या हो जाएगी आपकी ओरिजिनल पच्चीस हो जाएगी भाई साहब ट्वेंटी फाइव संख्या क्या हो जाएगी ट्वेंटी फाइव हो जाएगी भाई क्लियर है क्या काटा पीटी ऐसे ताकि दिक्कत ही नहीं आए और सवाल को हमेशा उसकी भाषा से देखो सवाल को हमेशा उसकी भाषा से देखो अगला सवाल भाई कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का एक, एक बटा चार भाग भोजन पर खर्च कर रहा है भाई साहब एक बटा चार भाग भोजन पर दो बटा तीन भाग मकान पर खर्च कर रहा है शेष आय छह सौ तीस रुपए बचाता है अन्य सामान पर खर्च कर देता है उसके मकान का किराया कितना है अब एक चीज बताओ मुझे ये शेष से पहले उसका जो हिस्सा था ना उस पर काम करूं से इससे पहले क्या था एक बटा चार और दो बटा तीन आप तो हर वाले का एलसीएम ले लो मतलब एलसीएम किसका लेना है चार का और तीन का एलसीएम लेना है मतलब संख्या क्या थी बारह के अनुपात में थी संख्या क्या थी बारह के अनुपात में तो मैंने कैलकुलेट किया भाई साहब भोजन पर संख्या कितनी खर्च हो रही है एक बटा चार किराए पर दो बटा तीन और शेष कितनी बच रही है उस पर भी काम किया अब इंपॉर्टेंट मैंने क्या कहा आप टोटल मान लो कि बारह रुपए रुपए एक्चुअली में यूनिट में हमारे पास में पर हम मान लेते हैं टोटल मान लिया बारह है या भी बारह है तो बारह का एक बटा चार भोजन पर खर्च कर दिया मतलब तीन यूनिट रुपए भाई साहब दो बटा तीन का मतलब होता है आठ रुपए अच्छा बारह में से कितना खर्च हो चुका है तीन और आठ मतलब ग्यारह रुपए खर्च हो चुका है तो शेष कितना बचना चाहिए शेष एक बचना चाहिए और एक की वैल्यू कितनी दे दी उसने छह तीस रुपए और एक के अनुपात में कितना रुपए छह तीस रुपए भाई बताओ कोई दिक्कत है क्या सवाल खत्म एक के अनुपात में छह सौ तीस रुपए और कह रहा मकान का किराया कितना है तो मकान का किराया तो आठ के अनुपात में है। तो मैं कहूंगा किराया एक के अनुपात में छह सौ तीस है तो आठ के अनुपात में क्या हो जाएगा छह सौ तीस मल्टीपल आठ सवाल खत्म भाई साहब जीरो आठ या चौबीस का चार का हासिल दो आठ छः अड़तालीस और दो पचास पांच हजार चालीस रुपए उसके मकान का किराया होगा पांच हजार चालीस रुपए उसके मकान का किराया होगा भाई उसके मकान का किराया कितना होगा पांच हजार चालीस रुपए भाई क्लियर है हा भाई उसके मकान का किराया कितना होगा पांच हजार चालीस होगा भाई अगला सवाल देखो कितना अच्छा सवाल दिया हुआ है कितना अच्छा सवाल दिया हुआ है भाई कैलकुलेट कर दो फास्ट एक बटा दो एक बटा चार एक बटा सात एक बटा चौदह एक बटा अठाईस ओके हाँ भाई कैलकुलेट कर दो स्पीड से अच्छा मैं ये कह सकता हूं कि यहां लघुतम अट्ठाईस आ जाएगा हमारा तो हमने अट्ठाईस लघुतम ले लिया तो यहां आ जाएगा अट्ठाइस यहां जाएगा चौदह यहां सात और यहां चार और यहां दो और यहां पर एक आ जाएगा इन सबको जोड़ दो भाई साहब एक बार चौदह सात इक्कीस एक, एक बाईस चौबीस चार अट्ठाइस हम कहेंगे ऊपर हो गया छप्पन और नीचे अट्ठाइस डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा आपका फाइनली दो राइट right आंसर क्या आ जाएगा दो अब हमने यह लघुता में क्यों लिया है क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि अट्ठाईस लघुतम आ सकता है मतलब जो संख्या दी हुई है हर वाले में वो मैक्सिमम नंबर उसके एलसीएम का, का काम कर रहा है मैक्सिमम नंबर यदि एलसीएम का, का काम कर रहा हो तो आप लोग कैलकुलेट कर दिया करो क्लियर है अगला सवाल भाई आपसे यूनिट डिजिट पूछी जा रही है इकाई अंक और मैंने आपको बताया कि यूनिट डिजिट के लिए अगर आप लोग रेगुलर मेरी क्लास ले रहे हैं तो यूनिट डिजिट के लिए क्या बताया चार और नौ यदि इकाई अंक के रूप में है तो उसकी घात केवल सम और विषम देखते हैं घात कितनी देखते हैं सम और विषम यदि चार की घात हमारे पास सम है तो उसका इकाई अंक क्या आएगा उसका इकायंक आएगा और घात विषम है तो उसका इकाई अंक चार भाई मतलब घात सम होती है तो आप दो रख के देख लो इकाई अंक आ जाएगा और घात विषम है तो आप एक रख के देख लो इकाई अंक जब इकाई अंक पर चार और नौ दिया हुआ है तो मैं यहां से कैलकुलेट करूं चार की पावर एक सौ दो यहां चार की पावर एक सौ दो सॉरी चार की पावर एक सौ दो कर दो भाई कैलकुलेट और यहां पर भी चार की पावर एक सौ दो एक सौ तीन है भैया घात का सम और विषम देखना है तो यहाँ सम चल रहा है तो क्या आएगा छ या भी छह आएगा और यहाँ कितना आएगा चार टोटल कितना हो जाएगा सोलह और सोलह का इकाई अंक कितना आएगा छ यहां सोलह का यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा छ आएगा भाई घात का सम देखा घात कैसी है सम है एक सौ दो है जब घात सम होती है तो इकाई अंक कितना आएगा आएगा यहाँ पर भी घात सम है तो इकाई अंक कितना आएगा यहाँ पर घात विषम है और विषम घात पर कितना आता है है घात घात विषम विषम भाई तो पर यूनिट डिजिट चार आएगा ये आएगा। मैंने अच्छे से पढ़ाया है आप लोगों को और आपने यदि इस तरह के सारे नियम अच्छे से पढ़ रखे ना तो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्लियर है अगला सवाल द सम ऑफ थ्री conjugate odd natural number is 147 then the middle number is यदि किन्हीं तीन विषम क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग तीन क्रमागत विषम संख्याओं को लेकर के बात कर रहा उनका योग कितना 147 है तो बीच वाली संख्या पूछी जा रही है एक चीज ध्यान रखना कि बीच वाली संख्या हमेशा उनके एवरेज का काम करेगी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बीच वाली संख्या बराबर योग बटा कुल संख्या इस वाले पार्ट पर भी काम कर सकते हो तो वन फोर सेवन डिवाइड बाई थ्री मतलब आपका राइट आंसर आ जाएगा यहां पर उनचास राइट आंसर आ जाएगा उनचास क्या हो जाएगी बीच वाली संख्या हो जाएगी अब आपसे तीनों संख्या यदि पूछी जाती तो बीच वाली संख्या उनचास है तो एक बैग की संख्या अड़तालीस हो जाएगी और आगे की संख्या पचास हो जाएगी और इन तीनों का सम क्या हो जाएगा वन फोर सेवन क्लियर है क्या तो या मिडिल संख्या क्या आएगी आपकी उनचास आएगी अरे बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको क्यों जाते हो भाई किसने कहा कि आप कहीं ना कहीं फॉर्मूलो पे जाओ बताओ किसने कहा आपसे मैं तो कहता ही नहीं हूं अगर मैं आपकी तरह करता तो पहली संख्या पी है तो दूसरी संख्या पी प्लस दो होगी क्योंकि विषम संख्या चल रही है और ये दोनों विषम संख्या नहीं है तो हम विषम संख्या पे काम करेंगे तो ये विषम संख्याओं के पैटर्न पर देखो कैसे आएंगे ये आपकी सैतालीस हो जाएगी ना ये इक्यावन हो जाएगा भाई विषम संख्याओं में आ रही है ना और ये पी प्लस चार हो जाएगी तब भी आपके पास वही आएगा और इन सब का जो सम हो रहा है वन फोर सेवन तो कितना आ जाएगा थ्री पी प्लस का सिक्स बराबर वन फोर सेवन सिक्स हटा देंगे तो थ्री पी बराबर वन फोर सेवन माइनस का सिक्स मतलब एक सौ तैतालीस तो पी बराबर क्या आएगा आपके पास में एक सौ तैतालीस डिवाइड बाई तो भाई साहब पहली संख्या आ रही है ना पी तो ये आ जाएगा आपका चार या बारह एक सौ सैतालीस में से छह जाएगा तो इकतालीस बचेगा भाई इकतालीस बचेगा चार ता बारह सात या इक्कीस ओके okay, तो पहली संख्या सैतालीस हुई कि नहीं हुई दूसरी संख्या उनचास हुई की नहीं हुई तीसरी संख्या इक्यावन हुई कि नहीं हुई क्लियर है ना सबसे बेस्ट है आप ये वाली ट्रिक काम में ले ये वाला पार्ट काम में ले बीच वाली संख्या के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आप वो आपसे सम पूछे आपसे विषम पूछे कोई सी भी पूछे फटाक से कर देना है भाई अगला सवाल आ भाई अगला सवाल क्या रहा है यदि हम 45 को चार संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं वेरी गुड चार संख्याओं का योग कितना है पैतालीस है पहली संख्या में दो जोड़ने पर दूसरी संख्या में दो घटाने पर तीसरी संख्या को दो से गुणा करने पर और चौथी संख्या को दो से भाग देने पर हमें वही परिणाम वही परिणाम प्राप्त होता है अब ये चार संख्या जो है ना ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही काम करेंगी ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही काम करेंगे भाई अब उनका सम कितना होना चाहिए फोर्टी फाइव अब यहां पर जितनी संख्या दी हुई है इन सबका सम कितना फोर्टी फाइव लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन काम करना है पहली संख्या को मैं थोड़ा सा साफ कर दू इसको एक बार ओके अब देखो उसने क्या कहा इस प्रकार लिखता है कि पहली संख्या में दो जोड़ने पर दूसरी संख्या में दो घटाने पर तीसरी संख्या को दो से गुणा करने पर और चौथी संख्या को दो से भाग करने पर वही परिणाम प्राप्त होता है मतलब वही फोर्टी फाइव पैतालीस ही प्राप्त होगा तो पहले ऑप्शन पे आया मैं आपको क्या क्या मिला पहली संख्या में दो जोड़ रहे हैं तो दो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा तीन दूसरी संख्या में से दो घटा रहे हैं मतलब छह रह जाएगा तीसरी संख्या को दो से गुणा कर रहे हैं मतलब तीस हो जाएगा और चौथी संख्या को दो से मल्टीपल कर सॉरी दो से डिवाइड कर रहे हैं तो साढ़े दस हो जाएगा भाई क्या ये फोर्टी फाइव आ रहा है क्या नहीं आ रहा भाई नौ उनचास उनसठ ये आ जाएगा उनतालीस दस उनचास पॉइंट पांच इनका सम कितना हो जाएगा जो कि रिजेक्ट है दूसरे वाले को देखा पहली वाली में से पहली वाली में दो जोड़ना है तो दस हो जाएगा दूसरी में से दो घटाना है तो पांच रह जाएगा तीसरी को दो से मल्टीपल करना है बीस हो जाएगा और दूसरी को दो से डिवाइड करना है तो दस रह जाएगा भाई साहब इनका सम कितना हो रहा है तीस चालीस और पांच पैंतालीस केवल एक ही संख्या जिसका सम पैतालीस आएगा यह कैलकुलेशन करने पर ऐसे सवाल हमेशा हाँ केवल और केवल ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं आप ये नहीं है कि कोई भी संख्या मान लो लो साहब पी क्यू आर एस मान ली लो साहब एबीसीडी मान ली कर दो नहीं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन काम करना है उस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही काम करना है उस कंडीशन में क्लियर है भाई अगला सवाल भाई अगला सवाल और स्पीड से कर देंगे भाई क्या कह रहा है दो संख्याओं का योग चालीस है उनका गुणनफल फल तीन सौ पिछहत्तर है उनके वित का योग क्या होगा तो मैं ये कहूंगा कि दो संख्याएं हैं उनका योग उनका गुणनफल 375, थ्री सेवन फाइव उनके वित मतलब वन अपॉन ए और वन अपॉन बी की बात कर रहा है तो मैं इसे लघुतम लेके हल करूं क्या तो मुझे मिलेगा ए बी और ऊपर मिलेगा ए प्लस बी भाई साहब ये तो दिया हुआ है मुझे तो मैं कहूंगा चालीस बटा तीन सौ पिचहत्तर और चालीस बटा तीन सौ पिचहत्तर की काटा पिटी कर दो पांच से काटूंगा तो ऊपर आठ आएगा और पांच से काटूंगा तो नीचे पिचहत्तर आ जाएगा सवाल खत्म बताओ कोई दिक्कत है क्या हाँ भाई बताओ कोई दिक्कत है क्या एकदम परफेक्ट है ना सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए ये मेन बात है सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए ये इंपॉर्टेंट बात है भाई आगे चले अगला सवाल भाई कह रहा है यदि तीन क्रमागत विषम विषम प्राकृत संख्या जो तीन से विभाजित है का योग तिरसठ है ठीक बात है भाई उनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो मैंने हमेशा कहा है जब भी मिड संख्या पूछी जाए बीच की संख्या तो आप उनके योग को कुल संख्या से डिवाइड कर दो भाई साहब तो हम कैलकुलेट करेंगे पर योग कितना है तिरसठ और संख्या है है? तीन तो मतलब वो संख्या कितनी आ जाएगी इक्कीस वाल, संख्या इक्कीस है तीन से विभाजित है तो इसका मतलब हुआ उनके बीच का गैप भी तीन होगा उनके बीच का अंतर भी तीन होगा तो ये आपकी अट्ठाईस जा, हो जाएगी तो ये आपकी चौबीस हो जाएगी कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो ट्वेंटी फोर भाई उस टाइम पर आपकी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी ट्वेंटी फोर क्लियर है ना आपको बीच वाली संख्या निकालने का तरीका बता दिया मैंने स्पीड से कैलकुलेट कर दो सम पर बात करें विषम पर बात करें कोई फर्क नहीं पड़ना क्या कोई फर्क नहीं पड़ना भाई क्लियर है आगे चले अगला सवाल कह रहा है एक संख्या को दुगुना करके उसमें नौ जोड़ा जाता है यदि परिणाम को तीन गुना कर दे वह संख्या पिछहत्तर हो जाती है तो संख्या ज्ञात करो मैंने कहा संख्या पी है माना संख्या क्या है भाई पी तो कह रहा दुगुना करके नो जोड़ना है तो मैं कहूंगा टू पी प्लस का नो अब ये जो परिणाम है मैंने इसको तीन गुणा कर दो अब तीन गुना करने के बाद ये कितना आ गया फाइव हमें मान किसका निकालना है पी का काटा पीटी कर दो तीन से काटेंगे तो पच्चीस तीन से काटेंगे तो क्या आएगा पच्चीस आएगा भाई तो मैं ये कह सकता हूं टू पी प्लस का नौ बराबर पच्चीस मतलब टू पी बराबर कितना आएगा सोलह तो पी का मान कितना आ जाएगा आठ सवाल खत्म हाँ भाई पी का मान क्या जाएगा आठ आ जाएगा बताओ कोई दिक्कत है क्या एकदम परफेक्ट है ना हाँ भाई एकदम परफेक्ट है आगे चलें अगला सवाल कह रहा है एक संक्रिया में ए स्टार बी को ए प्लस बी माइनस का ए बी के रूप में परिभाषित करते हैं मतलब ए स्टार बी इसे हम लिखेंगे ए प्लस का बी माइनस का ए बी तो भाई साहब पांच स्टार सात को क्या लिखा जाएगा तो हम लिखेंगे पांच प्लस का सात माइनस का पांच मल्टीपल सात ये हो जाएगा बारह माइनस का पैंतीस बारह में से पैंतीस हटाएंगे तो माइनस का तेबीस बचेगा कि नहीं बचेगा भाई साहब माइनस का ट्वेंटी थ्री बचेगा कि नहीं बचेगा बिल्कुल बचेगा संक्रिया को उसकी भाषा के अकॉर्डिंग करना है इफ ए ऑपरेशन स्टार डेफिनेट डेफिनेटेड और आपको ये संक्रिया दे दी और सवाल खत्म एक ऑपरेशन दे दिया ऑपरेशन का मतलब एक संक्रिया दे दी तो क्या करा है तीन अंकों की सबसे छोटी संभवत दशमलव संख्या कौन सी है तीन अंकों की सबसे छोटी संभवत संख्या कौन सी है तो मैं ये कहूंगा दशमलव की बात करता है ना तो दशमलव की जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन होनी चाहिए जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन होनी चाहिए तीन अंक वाली है भाई तीन अंक वाली है क्लियर है ना दस मलव के बाद यदि संख्या और उससे पहले जीरो है तो जीरो काउंटिंग में आएगा तो इसका मतलब ना तो आपका पहला ऑप्शन हो सकता ना दूसरा हो सकता ना तीसरा हो सकता क्या आ जाएगा आपका नन ऑफ अबो नन ऑफ द अबो आएगा क्लियर है हा भाई क्लियर है ना यदि बिना दशमलव के बात करता तो तीन अंक की सबसे छोटी बिना दशमलव के वन डबल जीरो होती क्लियर है मैं कहता कि तीन अंक है सबसे छोटी पूर्ण संख्या तब वो हंड्रेड हो जाती भाई मतलब अंकों में जीरो बाद में काम करता और दशमलव में जीरो पहले काम करेगा अगला सवाल भाई कह रहा एक बटा जीरो पॉइंट जीरो चार किसके बराबर है एक बटा जीरो पॉइंट जीरो चार किसके बराबर है कैलकुलेट कर दो मैं ये कहूंगा एक बटा जीरो पॉइंट जीरो चार मतलब इसको लिख सकता हूं एक बटा चार मल्टीपल हो फाइनल मान कितना आएगा ट्वेंटी फाइव डी ऑप्शन राइट होगा कि नहीं होगा भाई वो किसके बराबर होगा पच्चीस के बराबर होगा हो भाई अगला सवाल कह रहा एक है रहे अंक है संख्या तीन अंकों की पुनरावृत्ति से बनती है यार, रिपीटेशन चल रहा है भाई क्या चल रहा है रिपीटेशन चल रहा है क्या दो सौ छप्पन दो सौ छप्पन छह सौ अठहत्तर छह सौ अठहत्तर तो इस प्रकार से बनी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी अब थोड़ी देर के लिए मैं बात करूं यहां पर आप कुछ भी मान लो मैं यू कहूं कि दो सौ छप्पन ही ले लिया मैंने क्या ले लिया दो सौ यदि मैं दो कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा वन डबल जीरो वन मिलेगा भाई मतलब वन डबल जीरो वन को मैं दो से मल्टीपल करूंगा तो वही दो सौ छप्पन आएगा क्लियर है क्या आएगा दो सौ तो मतलब वो संख्या हमेशा एक हजार एक का मल्टीपल होगी और हम एक हजार एक को क्या लिख सकते हैं भाई सात मल्टीपल ग्यारह मल्टीपल तेरह मतलब वो संख्या सात का भी मल्टीपल होगी वो संख्या ग्यारह का भी मल्टीपल होगी वो संख्या तेरह का मल्टीपल होगी पहला ऑप्शन कह रहा है ओनली मतलब केवल सात से मल्टीपल होगी नहीं ओनली की वजह से कट गए ये भी ओनली की वजह से कट गया ये भी ओनली की वजह से कट गया तो क्या आ जाएगा एक हजार एक वो संख्या सात से भी है ग्यारह से भी है तेरह से भी है से ऑनली की वजह से तीनों ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, हो गए चौथा ऑप्शन राइट जाएगा क्लियर है भाई हाँ भाई क्लियर है ना अगला सवाल अच्छा, संख्या मैं। मैं का, का रिपीटेशन कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि कितनी बार संख्या रिपीट हो रही है और मैं फिर कहूंगा किसका मल्टीपल है किसका गुणा है तो आपको करना क्या है जितने अंकों की संख्या है आपको क्या देखना है अंक देखना है कितने अंक है और दूसरा क्या देखना है कि उसका पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है पुनरावृत्ति कितनी बार होती है जितने अंक है ना उससे एक कम जीरो लेना है तो भाई साहब यहां तीन अंक है तो जीरो कितनी बार आएगा दो बार आएगा उसके बाद एक लिख देना है और जितनी बार इसे रिपीट किया जा रहा है उतनी बार इसे रिपीट कर देंगे भाई साहब तो तीन अंक वाली संख्या छह अंक में बदल दी जा रही है तो दो बार रिपीट हुआ की नहीं है तो दो बार इसी को लिख देंगे जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन तो निकल के क्या आएगा आपके पास में एक हजार एक ही तो निकल के आएगा और एक हजार एक को हम क्या लिखेंगे सात ग्यारह तेरह क्या लिखेंगे भाई साहब सात का मल्टीपल ग्यारह का मल्टीपल और तेरह का मल्टीपल यह चीजें हमेशा याद रखा करो क्लियर है ना अगला सवाल एक हजार में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या पैंतालीस से, से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो आपको करना क्या है आप सबसे एक हजार को डिवाइड कर दो भाई 45 से 45 दूना नब्बे दस बचेगा जीरो उतार लेंगे 45 दूना नब्बे कितना बच रहा है दस अब इस दस में कितना जोड़ा जाए कि 45 का भाग चला जाए तो भाई साहब जुड़ने वाली संख्या 35 होगी जो जुड़ रही है ना उसको संख्या में जोड़ दो तो एक हजार में हमें कितना जोड़ना है भाई साहब 35 एक हजार में यदि 35 जोड़ देंगे तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 45 से किससे विभाजित हो जाएगी भाई पैंतीस से सॉरी पैंतालीस से किससे विभाजित हो जाएगी पैंतालीस से फोर्टी से डिवाइड हो जाएगी भाई क्लियर है हा भाई क्लियर है ना आगे चले अगला सवाल भाई कह रहा है सत्रह की पावर दो सौ को अठारह से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा तो मैंने आपको बताया था जब मैंने नोट भी है आपने अगर क्लास ली हो पहले तो मेरी जब अंश व हर का अंतर एक हो तो शेषफल के लिए बात करते उस टाइम पर नंबर एक या अंश बड़ा है हर छोटा है अब हम उसकी घात को देख रहे हैं घात सम है तो शेषफल एक आएगा घात विषम है तो भी शेषफल एक आएगा नंबर दूसरी पोजिशन अंश छोटा है हर बड़ा है तो हम ये कहेंगे घात वाला पार्ट घात यदि सम है तो शेषफल एक आएगा और घात विषम है तो शेष फल स्वम संख्या आएगी स्वम संख्या कौन सी आएगी अंश वाली भाई कौन सी आएगी अंश वाली नियम हमेशा याद रखा करो मैं नियम हमेशा लिखाता हूं अच्छा अब हम बात करते हैं सत्रह की पावर दो सौ डिवाइड बाई अठारह तो ऊपर वाला छोटा एक बड़ा है भाई साहब छोटा है तो ये सेकंड वाला नियम लग रहा है पावर कैसी है उसकी घात कैसी है सम सम पावर होती है शेषफल कितना बचेगा एक मैं यहां से कहूंगा शेषफल कितना बचेगा बात खत्म हुई शेषफल कितना बचेगा एक बचेगा मतलब सी ऑप्शन आपका राइट right हो जाएगा भाई यहां से राइट right का पार्ट क्या हो जाएगा सी बताओ कोई दिक्कत है क्या कुछ बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया भाई तो इस क्लास को ना दबा के लाइक और शेयर भी कर दिया करो आप लोग क्या दबा के लाइक और शेयर भी कर दिया करो अगला सवाल यदि एक ऐसा अंक है जिसके कारण फाइव एट टू स्टार को ग्यारह से विभाजित किया जा सकता है तो कौन सा अंक होगा आप उस कंडीशन में छोटी संख्या होना है? भाग देकर के कर दो सवाल खत्म भाई साहब फाइव एट टू स्टार डिवाइड कर रहे हैं ग्यारह से पांच बार जाएगा पचपन तीन बचेगा भाई साहब दो उतार लेंगे दो बार जाएगा ग्यारह दुना बाईस कितना बचेगा दस चार उतार देंगे तो नौ बार जाएगा भाई साहब नाइनटी नाइन कितना बचेगा पांच और पांच के बाद स्टार उतारेंगे तो भाग पूरा पूरा जाना चाहिए पूरा पूरा कब जाएगा जब ये पचपन होगा मतलब स्टार का मान कितना आ जाएगा आपके पास पांच आ जाएगा सवाल खत्म आपके पास स्टार का मान कितना आएगा भाई साहब पांच आएगा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सवाल देखना और सवाल खत्म हो जाना अगला सवाल भाई कह रहा है एक प्रतिशत के आधे को दशमलव के रूप में लिखो भाई साहब एक परसेंट और इसका आधा एक परसेंट को लिखेंगे एक बटा सो और आधा को लिखेंगे जीरो पॉइंट पांच तो ये हो जाएगा भाई साहब जीरो पॉइंट जीरो जीरो पांच मतलब दो जीरो आगे लगेंगे भाई साहब डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहां पर राइट क्या हो जाएगा डी ऑप्शन अपने आप राइट हो जाएगा बताओ कोई दिक्कत है क्या अगला सवाल भाई कह रहा है एक खिलाड़ी पांच चक्कर की दौड़ में एक बट एक सही एक बटा चार चक्कर लगा लेता है तो दौड़ का कितना भाग सेस है उसे पांच चक्कर लगाने हैं और एक से एक बटा चार का मतलब होता है पांच बटा चार उसने पांच बटा चार चक्कर लगा लिए तो बचा कितना लघुतम चार आ जाएगा बीस हो जाएगा माइनस का पांच मतलब उसकी दौड़ का कितना शेष बच गया पांच पंद्रह बटा चार भाग शेष बच गया अगला सवाल भाई इकाई अंक निकालना है क्या निकालना अंक यूनिट डिजिट निकालनी है भाई कर दो कैलकुलेट आपको क्या क्या दिया उसकी पावर इकाई अंक पर रख दो सवाल खत्म तो मैं कहूंगा एक की पावर अट्ठावे फिर एक की पावर उनतीस फिर छ की पावर सौ फिर पांच की पावर पैंतीस फिर छ की पावर चार और टू फाइव नाइन का क्या आ जाएगा नाइन आ जाएगा एक की पावर कितनी भी हो एक ही आएगा यहां पर भी एक आएगा छह की पावर कितनी भी हो भाई साहब छह आएगा पांच की पावर कितनी भी हो पांच ही आएगा ये माइनस में फिर छह की पावर कितनी हो छह आएगा और प्लस का नौ भाई हमसे क्या पूछा जा रहा है अंक और सवाल खत्म प्लस वालों को एक साथ जोड़ दो माइनस वालों को एक साथ जोड़ दो सवाल खत्म तो ये हो जाएगा सात और नौ सोलह सोलह में से बारह घटाएंगे तो चार आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा भाई आपका इकाई अंक कितना आएगा भाई साहब चार आपका इकाई अंक कितना आ जाएगा निकल के चार आएगा भाई क्लियर है क्या हाँ भाई क्लियर है ना एकदम परफेक्ट है सारे बच्चों का किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगला सवाल कह रहा पहली बीस विषम संख्याओं विषम संख्याओं का योग पूछा जा रहा है क्या पूछा जा रहा है योग पूछा जा रहा है निकाल दो भाई निकाल दो अब कई बार क्या होता है जैसे आप लोगों को यदि फॉर्मूला याद नहीं है ना तो थोड़ा सा ना दिमाग का उपयोग कर लो सवाल खत्म कैसे पहली बीस विषम संख्याएं कहा होंगी जब टोटल चालीस संख्याएं होंगी उस चालीस में सम भी बीस होंगी और विषम भी बीस होंगी होंगे कि नहीं होंगी अब मैं कह रहा हूं कुल चालीस का योग तो लगातार संख्याओं का जो योग होता है ना लगातार प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है वो होता है एन इन टू तो एन प्लस वन डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई टू होता है भाई एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू होता है तो मैं कहूंगा एक से चालीस तक प्राकृत का योग तो इसे हम लिखेंगे क्या वन प्लस का टू प्लस का थ्री प्लस का फोर यही तो लिखेंगे और ये कहां तक जाएगा चालीस तक तो इनका योग क्या हो जाएगा चालीस मल्टीपल इकतालीस डिवाइड बाई टू दो से काटूंगा तो भाई साहब 20 बार मतलब टोटल आ जाएगा 820 कितना हो जाएगा टोटल 820 सौ बीस सही है क्या मैं कई तरीके से बताऊंगा आप लोग चिंता मत करना सवाल वहीं खत्म हो जाएगा अब मैं यहां से कहूंगा कि सम संख्याओं का योग तो सम का योग क्या होगा 40 तक चालीस तक समख्या तो मैं कहूंगा दो प्लस चार प्लस छह प्लस, प्लस आठ और ये चालीस तक तो भाई साहब इसे क्या लिख पाऊंगा दो कॉमन ले लूंगा तो वन प्लस का टू प्लस का थ्री प्लस का फोर और सब में से दो कॉमन लूंगा तो लास्ट बीस बचेगा कि नहीं बचेगा अब मैं ये दो तो जो का तो रखूंगा और इसके अलावा बीस तक की संख्याओं का योग निकाल दूंगा तो मैं कहूंगा एन इन टू एन प्लस वन वाले पार्ट से तो ये हो जाएगा बीस मल्टीपल इक्कीस बटे में दो और दो से दो कट जाएगा तो हो जाएगा भाई साहब चार सौ बीस कितना हो जाएगा चार सौ बीस अब मैं यहां से ये कह सकता हूं कि मेरे पास विषम का जो योग है ना वो क्या हो जाएगा कुल का योग माइनस का सम का योग तो कुल कितना आठ सौ बीस माइनस का सम कितना है चार सौ बीस कितना बचेगा भाई साहब चार सौ एक तरीका तो हो गया मैं आपको मैंने क्या कहा और दूसरे तरीके से बताऊंगा एक तरीका तो ये हो गया क्लियर है आप बाकी की चीजें भी और बताऊंगा मैं आपको मैं यहां से क्या कह रहा हूं आपका राइट आंसर हो जाएगा चार सौ तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बस चीजों को समझा करो आप तो अब मैं ये कहूंगा कि लगातार एन संख्याओं का योग तो वो होता है एन इंटू तो एन प्लस वन डिवाइड बाई टू ये फॉर्मूले बता रहा हूं अब आपको नंबर एक नंबर दो एन सम का योग तो वो होता है आपका एन इंटू एन प्लस वन और नंबर तीन एन विषम का योग वो होता है आपका एन इंटू एन अब ध्यान दो ये लास्ट के दोनों में सम, सम में एन पदों को दर्शाता है किसको दर्शाता है कुल पदों को और यहां लिख दूंगा मैं प्राकृत में लगातार प्राकृत में एन अंतिम संख्या को दर्शाता है अब आ गया समझ में सारी चीजें एकदम से क्लियर कर दी भाई एक ही सवाल में कुछ भी नहीं छोड़ा आपको मैंने सारी चीजें एक ही सवाल में क्लियर कर दी अब आपसे मैंने कहा कि आपको डायरेक्ट करना है तो मैंने क्लियर कर दिया लो भाई डायरेक्ट कर दो विषम संख्याएं कितनी है बीस और विषम का योग का फॉर्मूला क्या एन इंटू एन तो मैं कहूंगा एन विषम योग क्या आ रहा है एन इंटू एन और एन क्या पदों की संख्या पदों की संख्या पदो कितनी है यहां पर बीस तो बीस मल्टीपल बीस करेंगे तो कितना हो जाएगा चार सौ होगा कि नहीं होगा तब भी आपका चार सौ आएगा तब भी आपका चार सौ आएगा भाई साहब कैसे ही कर दो क्लियर है ना एक सवाल जिसकी डिटेल आपको अच्छे से समझ में आ जाए फिर उससे जुड़े हुए सारे सवालों में आपका कंफ्यूजन दूर रहेगा क्लियर है भाई जब एक सवाल की डिटेल आपको समझ में आ गई ना तो उससे जुड़े सारे सवालों की शक्ल देखते ही खत्म कर दोगे क्लियर है आगे चले अगला सवाल कह रहा पिछहत्तर से सत्तावे तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा तो मैंने अभी आपको क्या बताया प्राकृत मैं आपको फिर दो तरीके से बताऊं प्राकृत का योग एन प्राकृत का जो योग होता है वो होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू अब मैं यहां क्या करूंगा एक से और सत्यानवे तक तो ये हो जाएगा नाइनटी सेवन एक जोड़ूंगा तो अट्ठावे डिवाइड बाई टू और दो से काटूंगा तो उनचास हो जाएगा उनचास मल्टीपल नाइनटी टू करूंगा क्लियर है और फिर मैं दूसरा करूंगा यहां से वन मल्टीपल कहां तक काटाना है फोर तक का सेवनटी फोर तक योग कैलकुलेट तो करूंगा हाँ भाई मैं वहां कैलकुलेट करूंगा तो क्या करूंगा देखो ये पार्ट आ जाएगा मेरे पास में 74 फोर मल्टीपल सेवन डिवाइड बाई टू ये काटूंगा ये सैतीस हो जाएगा उस टाइम पे मुझे 75 से 79 सेवन तक निकालना है तो ये आपस में गैप ले लूंगा। अब मैं कहूंगा आपको इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है अब आप इसे नोट रखेंगे नोट क्या है ए से बी तक का योग ए से बी तक का योग और उसके लिए यही इंपॉर्टेंट है इस सवाल को अच्छे समझ लिया ना सवाल खत्म ए से बी तक का योग क्लियर है ये एक से और एन तक का योग था एक से एन तक का योग था तो एक से एन तक का योग है ये क्या एक से एन तक का यहां पर एक भी काम आ रहा है एन भी काम रहा है सही है ना तो मैं ये कहूंगा भाई साहब मैं यहां से कहूंगा आपसे सवाल खत्म इस चीज को समझो ये एक्चुअली में एन नहीं था ये अकेला एन नहीं था यहां उनके योग में से एक घटाया गया और वहां योग लिया गया वहां योग लिया गया है अंतर प्लस एक तो हम यह कैलकुलेट करेंगे योग मल्टीपल अंतर प्लस एक बटे में दो इस सवाल को खत्म कर दिया जाएगा तो हम कैलकुलेट करेंगे योग 97 प्लस का 75 और अंतर 97 माइनस का 75 प्लस का एक डिवाइड बाय टू बस आप इससे कैलकुलेट कर दो सवाल खत्म तो भाई साहब तीन या दे दिया ये आ जाएगा एक सौ बहत्तर और ये एक सौ सो छिहत्तर चित, इक्कीस बचेगा भाई डिवाइड बाय टू और दो से काट देंगे एक सौ बहत्तर को तो छत्तीस छियासी बचेगा भाई इक्कीस मल्टीपल छियासी कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास छियासी मल्टीपल इक्कीस सॉरी इक्कीस छियासी मल्टीपल आ भाई सही चल रहा है ना योग और अंतर सही देख लिया करो बस योग और अंतर सही देख लिया करो ए से बी तक तो आपके पास आएगा योग अंतर प्लस का एक बटे में दो तो 97 और पिछेत्तर तो ये हो जाएगा एक और भाई साहब ये हो गया आपके ओ सॉरी 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 या में बचेगा ये 21 नहीं बचेगा भाई ये वाला 21 नहीं बचेगा ये 23 बचेगा सही है ना तो आप तेबीस के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं भाई साहब कर दो का का ही बचेगा ना आप इस वाले कैलकुलेशन को करोगे तो ही बचेगा भाई आठारे का तेबिस या चौबीस और एक, एक पच्चीस दो से कैलकुलेट करेंगे छुनी बारह और आठ दूनी सोलह और एक सत्रह ये हो जाएगा आपका आठ सात नौ एक भाई साहब उन्नीस अठहत्तर आना चाहिए आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा मैंने कहा आप दो तरीके से कर सकते हो तो दो तरीके में आप ये वाला तरीका जो है ना इसे डिलीट मार दो बच्चे ज्यादा कर इस वाले तरीके से करते हैं इसलिए उनका ना लेंथ ही हो जाता है मैं हमेशा दोनों तरीके लेके चलता हूं कि बच्चे कौन से करते हैं और करना कौन से से चाहिए तो आपको इससे कभी करना ही नहीं है सवाल आपको इससे कभी करना ही नहीं है सवाल आप केवल इसी वाले पार्ट को हमेशा मोस्ट रखेंगे ये वाला जो नोट दिया है ना मैंने आपको इसे ही आप हमेशा फिक्स करेंगे जब भी बीच में से संख्या दे दिया जाए और उनका योग पूछा जाए तो आप ए से बी तक की संख्याओं का योग वाला जो फॉर्मेट है ना उसे याद रखें क्या करेंगे दोनों संख्याओं का योग उनका अंतर में एक जोड़ दो डिवाइड बाई दो डिवाइड बाई दो कर दो भाई सवाल खत्म अगला सवाल भाई कैरा 100 से दो के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योग बताओ जो तीन का गुणा है क्या है भाई तीन का गुणा है क्लियर है अब मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा तो तीन का गुणा कहां से चालू होगा एक सौ दो से फिर एक सौ पांच से फिर 108 से ये तीन के गुणज मार हैं और लास्ट वाली संख्या क्या होगी जो तीन का गुणज होगी हा भाई लास्ट वाली संख्या क्या होगी जो तीन का गुणज होगी वो वन नाइन एट होगी भाई अब जब आपको समान अंतर पर संख्या दे दी जाए तो आपके पास योग क्या होता है उस टाइम पर आपके पास जो योग होता है वो होता है एन बाई टू टू ए एन माइनस वन और ये डी समान अंतर वाली संख्याओं का योग होता है भाई अच्छा आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो आप औसत निकाल दो औसत से टोटल संख्याओं का योग आ जाएगा आप उनकी संख्या से मल्टीपल कर दो औसत से सवाल खत्म तो मैं इसे दो तरीके से करूंगा आप सबसे पहले औसत निकाल दो इसका भाई साहब औसत क्या हो जाएगा वन नाइन एट और एक सौ दो डिवाइड बाई दो भाई साहब ये हो जाएगा आपका तीन सौ तीन सौ को दो से डिवाइड करूंगा तो डेढ़ सौ आपका औसत आएगा मतलब इनका जो मल्टीपल है ना वो डेढ़ सौ का मल्टीपल होगा अब मैं यहां से कहूंगा इनका जो योग होगा वो कितना होगा एक बात बताओ यहां से यदि एक सौ दो है और मैं इसे 101 मान लूं तो लास्ट वाली संख्या एक सौ होगा कि नहीं होगा मतलब एक सौ तक कितनी संख्याएं हां भाई 101 से और सत्तानवे तक तीन के मल्टीपल की बात कर रहा हूं मैं निन्यानवे तक सत्यानवे तक आप इसे ऐसे नहीं करो तो आप इसको तीन मान लो पहली संख्या तीन है तो निन्यानवे हो जाएगी अब ये तीन से डिवाइड होने वाली आप आगे की संख्या को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए ये तीन है फिर आपके पास में क्या जाएगा? पर आ जाएगा यहां पर छह आ जाएगा यहां नौ इस तरह से निन्यान हो जाएगा तो ये तीन का मल्टीपल एक है तो ये तीन का मल्टीपल तेतीस हुआ कि नहीं हुआ तो हर सौ के पार्ट में तीन का मल्टीपल तेतीस आता कि नहीं आता है तो डेढ़ सौ मल्टीपल कर दो सवाल खत्म भाई साहब कितना करना तेतीस कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती आप बस उसकी भाषा तक चले जाया करो तो तैतीस से मल्टीपल कर दो जीरो आ ही जाएगा पंद्रह ती पैतालीस का पांच का हासिल तीन पंद्रह ति पैंतालीस और तीन अड़तालीस पैतालीस और तीन अड़तालीस एक बार वापस देख लो हा भाई देखो जीरो तो आएगा ही आएगा पंद्रह ति पैतालीस का पांच का हासिल चार पंद्रह ति पैतालीस चार उनचास चार आएगा भाई उनचास पचास आपका योग हो जाएगा सवाल खत्म आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होती है बस योग कितना आ जाएगा उनचास पचास आएगा भाई अब या तो आप इसे फॉर्मूले से कर दो तो मैंने कहा फॉर्मूला आपके सामने ये उपलब्ध रहा मैंने कहा फॉर्मूले से करोगे तो आप इससे करोगे फॉर्मूले से नहीं करते हो तो आपको ये सेकंड पार्ट दे दिया मैंने कहा औसत निकाल दो और डायरेक्ट कैलकुलेट कर दो औसत को उसके बीच में कितनी संख्या है टोटल उनसे मल्टीपल कर दो मतलब योग बराबर क्या होता है योग बराबर होता है औसत कुल संख्या और हमने इसी से किया है और सवाल खत्म बताओ कोई दिक्कत है क्या यहां से हाँ भाई बताओ कोई दिक्कत है क्या एकदम परफेक्ट है ना आगे चलें, आ भाई आगे चलें। चले। अगला सवाल एक्चुअली मैंने चीजों को आप लोग बिल्कुल अंदरूनी तरीके से समझा करो कि हमें करना है क्या है तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 20 30 है तो बीस का पूर्णांक क्या होगा अब हमने मान लिया तीन क्रमिक में पहली संख्या मान ली हमने पी क्रमिक पूर्णांक दे रहा है इसका मतलब वो लगातार है तो p का वर्ग p प्लस वन का वर्ग और p प्लस टू का वर्ग भाई साहब ये कितना हो जाएगा बीस तीस अब इसके लिए बेस्ट है आप छोटी से छोटी संख्या उठा लो सवाल खत्म अगर ये पच्चीस है मैं कहूंगा अगर मैं कहूं p बराबर पच्चीस है ध्यान तो देना 25 का वर्ग 26 का वर्ग और 27 का वर्ग किसके बराबर होना चाहिए बीस तीस के बराबर आप तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो सवाल खत्म 25 का पांच आता है छत्तीस का आता है और ये उनचास आता है नौ तो भाई साहब यूनिट डिजिट का योग जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है बिल्कुल आ रहा है तो सवाल यही खत्म हो जाएगा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्लियर है हाँ भाई क्लियर है ना तो इसका मतलब यूनिट डिजिट मिलते ही आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है पी का मान क्या आ जाएगा ट्वेंटी फाइव सवाल यही खत्म हो जाएगा भाई आपसे क्या पूछा बीच का पूर्णांक तो बीच का पूर्णांक क्या हो जाएगा आपसे क्या पूछा बीच का पूर्णांक तो बीच का पूर्णांक 26 होगा भाई पी का मान पच्चीस है तो पी प्लस वन का मान छब्बीस होगा और पी प्लस टू का मान सत्ताईस हो जाएगा यहां से हमारा बीच का पूर्णांक आ जाएगा छब्बीस आप यूनिट डिजिट से भी कैलकुलेट कर सकते हो जरूरी नहीं है कि पूरा ही निकाल के करो नहीं आप यूनिट डिजिट पर चले जाओ सवाल वहीं खत्म हो जाएगा अगला सवाल भाई कह रहा है किसके बराबर है हाँ भाई किसके बराबर है आपको दिया हुआ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन और हम बेहतर को क्या लिख सकते हैं आठ और नौ लिख सकते हैं क्या बिल्कुल मैंने कहा नौ को पहले लिख लो मैंने यहां से क्या कहा कि नौ को पहले लिख लो ये नौ का पहले लिख लिया और ये आठ आ गया अब नौ से मल्टीपल कर दो एक बार सबको नौ नौ इक्यासी हासिल आठ नौ सात तिरसठ और आठ तरेसठ और आठ भाई साहब तिरसठ और आठ हो जाता है आपका इकहत्तर यहां पर आ जाएंगे आप लोग नौ छवन और सात मतलब ये सारी संख्याएं वन वन को कैलकुलेट करा देंगी नौ दो ग्यारह एक दो तीन चार पांच छ सात आठ एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ मल्टीपल आठ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास पूरी संख्याएं आठ आठ में बदल जाएंगी भाई पूरी संख्याएं किस में बदल जाएंगी आठ आठ में बदल जाएंगी भाई तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा तीन तीन छह तीन नौ तो नौ आठ आठ के आने चाहिए भाई साहब यहां कितने एक छह ये रिजेक्ट ये कितना हो जाएगा तीन तीन छह तीन नौ ये वाला राइट होगा भाई यहां पर नौ अंक आने चाहिए अंक कितने होंगे ये नौ होंगे भाई ये आठ आठ के अंक कितने होंगे नौ और इसी में नौ अंक है इसमें आठ अंक है भाई आठ की वजह से ये रिजेक्ट है क्लियर है ना ओके आगे चलें आ भाई आगे चलें आप सवाल को ना अच्छे से कैलकुलेट किया करो करोली सरकाल राहुल प्रणाम प्रणाम मेरा प्यारा भाई कैसे हो कह रहा है जीरो पॉइंट वन 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 का मतलब एक बटा नौ है तो आपसे कह रहा है जीरो पॉइंट चार 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 का मतलब क्या होगा तो मैं कहूंगा चार कॉमन ले लो जीरो पॉइंट वन 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 बचेगा तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे चार मल्टीपल एक बटा नौ से तो क्या हो जाएगा चार बटा नौ सवाल खत्म हाँ भाई क्लियर है क्या अगला सवाल भाई जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं ना सबको प्रणाम मस्त होकर के पढ़ते जाओ आपको अच्छे अच्छे सवाल लेकर क्या, क्या कह रहा है दो संख्याओं का योग और गुणनफल फल क्रम से बारह और पैंतीस है तो व्युत का योग ज्ञात करो मतलब दो संख्याएं मान ली ए और बी उनका योग कितना दे दिया बारह उनका मल्टीपल कितना दे दिया पैंतीस व्युत क्रम पूछ रहा है मतलब वन अपॉन ए और वन अपॉन बी पूछ रहा है भाई अब हम एक बात जानते हैं इसे हल करें तो ए भी आ जाएगा और ऊपर क्या आएगा ए प्लस बी तो ए प्लस बी कितना बारह और ये कितना है पैंतीस तो सवाल खत्म बारह बटा पैंतीस भाई बारह बटा पैंतीस क्योंकि ए प्लस बी का मान बारह दिया हुआ है ए मल्टीपल बी मान पैंतीस दिया हुआ है सवाल खत्म भाई क्लियर है ना आगे चले अगला सवाल भाई कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग तीन और उन संख्याओं के वर्गों का योग बारह है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा मैंने कहा ए प्लस बी का मान तो कितना है तीन और वर्गों का योग ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपको दे दिया बारह मल्टीपल पूछ रहा है तो हम क्या जानते हैं यहाँ से कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यदि खोल दिया जाए तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का टू ए भी आता है तो ये तीन का स्क्वायर खोलेंगे ये बारह आ जाएगा और यह टू ए बी बचेगा मतलब नौ माइनस का बारह बराबर टू ए बी क्या बचेगा माइनस का तीन बराबर टू ए बी मैं लिखूंगा टू ए बी तो मैं ऐसे लिखूंगा माइनस तीन बटा दो बराबर ए बी दोनों संख्याओं का मल्टीपल क्या आ जाएगा भाई साहब दोनों संख्याओं का मल्टीपल क्या आ जाएगा आपके पास में माइनस तीन बटा दो, दो संख्याओं का मल्टीपल क्या आ जाएगा आपके पास में माइनस तीन बटा दो मतलब थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट right हो जाएगा भाई आगे चले अगला सवाल कह रहा 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटे गए यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या दुगनी छात्रों की संख्या की दुगनी चॉकलेट मिले तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है मैंने कहा छात्र संख्या कैलकुलेट कर दो यदि एक छात्र को टोटल छात्रों के बराबर संख्या मिलती तो पी छात्रों को पी चॉकलेट मिलती लेकिन यहां छात्रों की संख्या का दुगना मिल रहा है और टोटल कितनी चॉकलेट हो गई 802 सौ दो काटेंगे भाई साहब 400 पी मल्टीपल पी बराबर 400 है तो पी का मान कितने आ जाएगा 20 सवाल खत्म मतलब आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई आपका डी ऑप्शन राइट right हो जाएगा बताओ कोई दिक्कत है क्या उसकी भाषा पे काम कर लो सवाल ही खत्म उसकी भाषा पर तो हम कहेंगे प्रत्येक को मिली चॉकलेट कितनी मिल रही है भाई साहब संख्या का दुगना तो टू पी तो मिलेगी छात्रों की संख्या यदि पी है तो छात्र प्रत्येक छात्र को चॉकलेट जो मिलेगी उसकी दुगना मिलेगी टू पी मिलेगी क्लियर है अगला सवाल भाई कह रहा है संख्या दो चार छह आठ ये कॉमा है अठानवे सौ का परस्पर पर गुणा किया जाए तो गुणन फल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करो तो ध्यान दो ये इस तरह से बात कर रहा है ये इस तरह से बात कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको सब में से दो कॉमन लेना है तो बच्चे का क्या एक दो सब में से तो ये बच्चे बचेगा पचास मतलब कितने पद हो गए पचास तो पचास जगह से मल्टीपल की बात है ना इसलिए पचास ही दो दो के निकल जाएंगे बाहर यदि जोड़ का या माइनस का पार्ट होता तो केवल एक ही दो बाहर आता यहां सब में से दो दो का पद आ रहा है मल्टीपल का पार्ट चल रहा है इसलिए अब आपके पास लास्ट का जो पद बचा है ना लास्ट का जब लगातार संख्या आ जाए तो लास्ट वाले पद में पांच का लगातार भाग दे दो टोटल शून्यों की संख्या आ जाएगी तो भाई साहब दस फिर पांच का भाग दे दिया फिर दो आ जाएगा और भागफलों का योग कुल शून्यों की संख्या को दर्शाएगा तो कुल शून्य कितने आ जाएंगे भाई साहब दस प्लस का दो मतलब बारह शून्य आपके पास प्राप्त हो जाएंगे यहां से टोटल कितने शून्य प्राप्त हो जाएंगे भाई साहब बारह बताओ कोई दिक्कत है क्या हा भाई किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या सबको अच्छे से आवाज आ रही है ना अगला सवाल भाई कह रहा है एक से पचास तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी वेरी गुड हाउ मैनी डिजिट हाउ मैनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट नंबर फ्रॉम वन टू फिफ्टीन अब हम क्या कहेंगे एक से और नौ तक एक अंक वाली संख्या है तो एक अंक तो के लिए एक संख्या के लिए एक अंक चाहिए टोटल कितनी संख्या नौ तो भाई साहब नौ अंक यहां चाहिए आप कहेंगे दस से पचास तक नौ संख्या हटा दी हमने अब प्रत्येक संख्या के लिए दो अंक चाहिए संख्या कितनी बची इकतालीस इकतालीस दुना बयासी अंक चाहिए तो टोटल अंक कितने चाहिए भाई साहब नाइनटी वन कितने अंक चाहिए भाई साहब 91 वन कुल अंकों की जो संख्या होगी वो 91 वन होगी भाई एक तरीका तो ये हो गया और सेकंड टाइप जब केवल दो अंकों तक ही बात जा रही है ना तो आपको क्या करना है टू मल्टीपल दो अंक अंतिम संख्या माइनस का नौ कर दो सवाल खत्म यहां से क्या आ जाएंगे कुल अंक तो दो अंतिम संख्या कितनी है दो अंक वाली पचास माइनस का नौ सौ में से नौ घटाएंगे तो भाई साहब नाइनटी वन ही बचेगा लेकिन शर्त क्या है दो अंक वाला ही फैक्टर चलना चाहिए आप कोई सा भी सवाल ले लो उसके बाद फिर सवाल खत्म नाइनटी नाइन तक लागू है खत्म क्लियर है क्या अगला सवाल भाई एक संख्या को दुगुना करके परिणाम में बीस जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है जितना उस संख्या को आठ गुना करके परिणाम में चार की कमी कर दी जाए मैंने कहा संख्या पी है भाई अब पी को दुगुना करके उसमें बीस जोड़ा जा रहा है या पी को आठ गुना करके चार की कमी की जा रही है बात खत्म तो मैं ये कहूंगा बीस प्लस का चार बराबर आठ पी माइनस का दो पी ये हो जाएगा चौबीस और ये हो जाएगा छह पी तो पी का मान कितना आएगा चार मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी चार हो जाएगी भाई आपकी वो संख्या क्या हो जाएगी चार हो जाएगी भाई क्लियर है राजस्थान हाँ भाई अगला सवाल कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पता खाद्य पदार्थ पर एक सौ रुपए खर्च करने की योजना बनाई कितनी योजना बना रहे हैं? एक सौ रुपए खर्च करने की उनमें से तीन पिकनिक पर नहीं पहुंचे फलस्वरूप शेष मित्रों में से प्रत्येक को अपने हिस्से में तीन रुपए अतिरिक्त देने पड़े तो पिकनिक पर पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी है एक सौ आठ रुपए खर्च किए जा रहे हैं जब भी इस तरह का सवाल आ जाए ना तो नोट कर लो नोट कर लो जितने छात्र नहीं आए दो संख्याओं का उतना अंतर कर दो मतलब दो संख्याओं का अंतर कितना है भाई साहब कितने छात्र नहीं आए तीन तो दो संख्याओं का अंतर तीन होना चाहिए और तीन के अंतर पर वो संख्या है वो का मल्टीपल कितना हो जाए एक तो मैं कहूंगा बारह नंबर एक ये क्या भाई साहब आप इसे ऐसे देखेंगे आप इसे ऐसे देखेंगे या रुपए और यहां छात्र बारह नम्मा एक सौ आठ मतलब पहले छात्र नौ थे सॉरी अब छात्र नौ है पहले रुपए बारह दिए जा रहे थे स्टार्टिंग में रुपए नौ थे और छात्र बारह थे क्लियर हुई बात ये अब की बात है ये प्रारंभ की बात है तो क्या कह रहा है उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी तो भाई साहब अब तो केवल नौ थी अब कितनी थी केवल नौ थी भाई क्लियर है आगे चले हां भाई आगे चले अगला सवाल आपसे कह रहा है संख्या एक दो एक तीन पांच सात नौ आपको विषम संख्या दी हुई है और उनको किससे मल्टीपल किया जा रहा है एक सौ अट्ठाईस से तो हम कैलकुलेट करेंगे वन मल्टीपल थ्री मल्टीपल फाइव मल्टीपल सेवन मल्टीपल नाइन डॉट डॉट नाइनटी नाइन मल्टीपल वन टू एट यहाँ पाँच के पद मिल जाएंगे लेकिन दो का पद नहीं मिलेगा और शून्य के लिए दो और पाँच का मल्टीपल होना जरूरी है तो अब इंपॉर्टेंट है दो के पद कितने हैं तो दो के पद केवल यहां मिलेंगे और हम कहेंगे एक को क्या लिखा जा सकता है भाई साहब दो की पावर सात मतलब शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी जितने दो के पद है तो शून्य भी सात ही प्राप्त होंगे भाई शून्य भी कितने प्राप्त होंगे सात भाई क्लियर है ना आगे चलें अगला सवाल और ये सवाल आप लोग ना होमवर्क में करेंगे भाई किस में करेंगे होमवर्क में अच्छा एक बार क्लास को अच्छे से लाइक कर देंगे आप लोग शेयर भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे बच्चा रेगुलर क्लास को जरूर लिया करो ये क्लास ना रेगुलर सात पी पर चालू होती है आप लोग जरूर लिया करो भाई क्या ये क्लास रेगुलर सात पी पर चालू होती है आप इस क्लास को जरूर लिया करो भाई क्लियर है ओके सारे के सारे बच्चे एक बार अच्छे से भाई साहब सारे के सारे बच्चे एक बार अच्छे से टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें क्लास को लाइक कर दें शेयर कर दें क्लास को लाइक कर दें शेयर कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें कमेंट जरूर किया करें आप लोग भाई कमेंट जरूर किया करें आप सभी को थैंक यू आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार बच्चा थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चा थैंक यू